गौरव जी संदीप जी नमस्कार। नमस्कार जी, वन सेकेंड मैं वीडियो ऑन कर रहा हूँ। हाँ जी नमस्कार संदीप सर। नमस्कार जी। संदीप जी नमस्कार। और कैसे हैं आप? बस ठीक है, आप बताइए आपके क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया जी। और कैसा ऑफिस वगैरह खुल रही है, खोल रहे हो आप? कैसे अभी तो आप मान के चलिए कि वर्क फ्रॉम होम ही किया हुआ है। अच्छा, क्योंकि हमारी इस तरफ केसेस वगैरह काफी बढ़ गए हैं, पीछे खोला भी था तो बीच बीच में स्टाफ को बुला लेते हैं, ये उस हिसाब से बीच बीच में कर लेते हैं। ऑफिस तो आपके नोएडा में हुई ना? हाँ, ऑफिस नोएडा में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कौन से सेक्टर में होगी सर? नोएडा में, मेरा नोएडा एक्सटेंशन में। एक्सटेंशन में है। बट कैसा लग रहा है अभी? मतलब मुझे लग रहा है कि अभी 15-20 दिन में, महीने भर में सारी चीजें खुल जानी चाहिए। आपको क्या लग रहा है? अभी देखिए, अनलॉक 4 तो है ही अब 1 सितंबर से, ठीक है? हाँ, और अब मेट्रो खुलने की बात चली रही है अनलॉक 4 में। हाँ जी, अब देखते हैं किस तरीके से क्या चीजें बनती हैं। ओके। बाकी अभी मेजर जो है वो, जैसे आपने जो रेस्टोरेंट्स हैं, आपके कॉमर्शियल मॉल है या स्कूल कॉलेजेस हैं, तो इनका तो खुलने का अभी बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है उस हिसाब से। आप बताइए, आप लोगों का कैसे चल रहा है अभी ऑफिस का? सर ऑफिस तो मोर ऑर लेस बंद ही है ना। वो फिलहाल हमने घर में ही साइड में कोना पकड़ रखा था। ठीक है, घर में ही, घर में जितना काम कर सकते हो कर लो। ठीक है, तो क्योंकि जो बच्चे ऑनलाइन कर सकते हैं ऑनलाइन कर लेते हैं। ठीक है, कभी किसी को बुलाना हुआ कुछ के लिए तो बुला लिया घर पे, है ना? ठीक है, देख लिया, क्योंकि ऑप्शन है नहीं बहुत ज्यादा अपने पास। क्योंकि वो नॉट ओनली एक्चुअली जो जनरल जो कम्यूटिंग का वे बंद हो रखा है ना, मेट्रोज वगैरह, एक तो भी ऑब्स्टेकल है कि आप फुल फ्लेज नहीं कर सकते, है ना? क्योंकि वो डर भी लगता है कि बच्चों को हमेशा कैब में या ऑटो में कैसे भेज दोगे, है ना? और दूसरा ठीक है, मतलब आप जितना सेफ रह के कर सकते हो तो उसी एनी हो मैनेज कर रहे हैं वैसे ही, है ना? बाकी लेट्स सी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब हर चीज ना उस कम्फर्टेबल मोड में नहीं आ पाती है जो कम्फर्टेबल था ना, कि बट ठीक है फिर भी मैनेजेबल है ना? बट लगता है कि एटलीस्ट कुछ हो जाए, नहीं हो जो कम्यूटिंग, जो वे ऑफ कम्यूटिंग है ना, खासकर मेट्रो वगैरह स्टार्ट हो जाए ना तो काफी हद तक चीजें रिजॉल्व हो जाएगी। क्योंकि अभी आने जाने में क्या होता है, इधर आपको अपनी गाड़ी भेजनी पड़ती है कहीं पे भी, है ना? या बंदों को गाड़ी करके वैसे आना पड़ता है ना? तो वो थोड़ा सा टफ पड़ता है, क्योंकि थोड़ा सा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वगैरह रहे, है ना, सेफर साइड रहे तो कम से कम जहाँ पे जाने में जो ज्यादा टाइम लग रहा है तो थोड़ा टाइम की कमी भी हो जाए उसमें। तो आई थिंक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मेट्रो वगैरह स्टार्ट करेगी तो काफी कम हो जाएगा, मतलब आई थिंक लोड कम हो जाएगा, आप भी मैनेज कर सकते हो, है ना? उसमें क्या है कि थोड़ी देर के लिए आपने बुलाया बच्चे को, जितनी देर काम में काम कर लो भैया आप चले जाओ, है ना? आप भी रोकना कर, कर लेगा जो करना है, those kind of things। और सर आज का कैसा प्रेजेंटेशन रहेगा सर? तो आज आपका प्रेजेंटेशन ही रहेगा या कैसे? हाँ बिल्कुल संदीप जी, अगर आज की बात करें तो अभी मैं स्लाइड अभी मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है? तो स्लाइड के बेसिस पे ही रहेगा कंप्लीट प्रेजेंटेशन। तो आप अभी एक बार चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि जी नहीं नहीं मैं एडमिन उसमें टेक्निकल टीम वाले के बंदे को कॉल कर रहा हूँ। केशव जी, संदीप जी बेटा, गौरव जी ना स्लाइड शेयर कर रहे हैं, तो एक बार हेल्प करो इनकी। गौरव जी को स्लाइड शेयर करके दिखा दीजिए, है ना? सो दैट कि एक बार हम पहले लाइव होने के पहले एक बार। गौरव जी आप देख पा रहे हैं? हाँ कर दिया आपने, ठीक है बिल्कुल, इट इज वर्किंग फाइन। अभी ये शायद लोड होने में 1 मिनट और लेगा। अभी देखिए आप लोगों के सामने आ गई होगी स्लाइड? नहीं गौरव जी, हाँ अब लोड हो गई है, राइट? अब लोड हो गई है गौरव जी। क्लियर आपको विजिबल है ना स्लाइड? विजिबल है, विजिबल है। मैं अभी इसको आप फुल स्क्रीन कर लीजिएगा। हाँ, फुल स्क्रीन मोड में मैं डाल रहा हूँ, एक बार पहले इसको देख लेते हैं। डाल ठीक है, ये ठीक है, मैंने पॉडकास्ट खोल दिया है। अच्छा खोल दिया आपने? हाँ चलो कोई इशू नहीं है गौरव, लेकिन नेक्स्ट टाइम से पूछ लिया करना एक बार, है ना? जब हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं थोड़ा सा उसमें रुक जाएंगे, है ना? राइट, तो नो इशू, है ना? ठीक है गौरव, थैंक यू।
गौरव जी आ रही है आपकी, है ना? हाँ बिल्कुल, थोड़ी सी है बट आ जाएगी। तो शुड वी स्टार्ट गौरव जी? हाँ बिल्कुल, श्योर। नमस्कार फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ईस्ट दिल्ली के इस महीने के लास्ट वेबिनार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जो अपने सीरीज ऑफ वेबिनार कर रहे थे, तो हमने इस सीरीज में हमारे बार बार दिमाग में डिस्कशन में ये आ रही थी कि हम कुछ ऐसा टॉपिक रखें जो हमारे प्रोफेशनल को, प्रोफेशन में प्रोफेशनल ब्रदर्स को, कलीग को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हम बात करें, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की डिस्कशन करें जो कि बहुत ही रिलेवेंट है, नई है, आने वाली है, बहुत लोग ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है, और हमें इसको, आप जैसे प्रैक्टिस करते हैं, डायरेक्ट टैक्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जीएसटी की कर रहे हैं, फेमा की कर रहे हैं, तो आप जैसे अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इसको एज ए प्रैक्टिस भी चूज कर सकते हैं। आपको याद होगा जब मोदी जी की सरकार आई थी, तो मोदी जी सरकार आने के कुछ दिन पहले से ही रियल एस्टेट मार्केट काफी डाउन हो गई थी। डाउन होने के बाद गवर्नमेंट ने काफी रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की इस रियल एस्टेट मार्केट में, जहां रिफॉर्म का ही एक हिस्सा था रेरा। एक ऐसी रेगुलेशन आई जो कि बीच में जो काफी ह्यू एंड क्राई मच रही थी बायर्स ऑन रियल एस्टेट मालिकों के बीच, बिल्डर्स के बीच में, आप पैसे लेते थे या प्रॉपर्टी टाइम पे नहीं बनाते थे, डिलीवरी करने में दिक्कत होती थी, बायर्स पे दुगनी मार पड़ती थी कि भाई रेंट पे भी मकान दे रहे हैं, रेंट भी दे रहे हैं, अपनी ईएमआई भी दे रहे हैं, और ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें थी। इन सबको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने रेरा लॉ इनेक्ट किया, रेरा लाए। साथ ही साथ लाने के बाद केवल प्रॉपर्टी मार्केट से कंट्रोल नहीं हुई, बल्कि हम प्रोफेशनल्स के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी खुल गई, हमारे को एक नया प्रैक्टिस का नया स्कोप खुल मिल गया। इन्हीं सब बातों को ध्यान रखते हुए हमने, हमारी फाउंडर कन्वेनर डॉक्टर श्री दुर्गादास अग्रवाल जी, हमारे एनआईआरसी के चेयरमैन शशांक अग्रवाल जी, डिप्टी कन्वेनर मेराज हसन जी, सबने जो डिस्कशन किया, तो ये निकली कि भाई हम एक ऐसी टॉपिक चूज करते हैं जो हमारे मेंबर्स एट लार्ज बेनिफिट हो सबका, और हमने ये टॉपिक सिलेक्ट किया। अब क्वेश्चन था कि भाई इस टॉपिक को हैंडल कौन करे, तो हमारे पास गौरव जी से अच्छा कोई बढ़िया नाम नहीं था। गौरव जी, वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि गौरव जी ने इसको एक्सेप्ट किया डिलीबरेट करने के लिए, एंड गौरव जी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, तो गौरव जी थैंक यू सो मच आपका आने के लिए। दूसरा, गौरव जी के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं, ब्रीफ इंट्रोडक्शन। गौरव जी शुरू से ही रेरा की प्रैक्टिस में है, गौरव जी एट लार्ज रेरा की ही प्रैक्टिस करते हैं, इसके अलावा मुझे नहीं लगता शायद कुछ और करते हैं। गौरव जी की ऑफिस नोएडा एक्सटेंशन में है और काफी एक्सटेंसिव और बढ़िया प्रैक्टिस करते हैं, मतलब हमने जो डिस्कशन में पाया और डिस्कशन में जो कई लोग हमने नाम भी आ रहे थे, तो बार बार एक ही नाम में मतलब पॉइंट जीरो हो रहे थे कि भाई नहीं जी गौरव जी को बुला लो, गौरव जी से बढ़िया कोई हमारा रेरा में स्पीकर नहीं होगा। एंड हमने गौरव जी को पहले भी एक बार इन्वाइट किया था, मैंने उसमें भी देखा था कि भाई रेरा पे जो इनकी पकड़ है, रेरा पे जो इनकी सोच है और जो काम करते हैं रेरा पे, बहुत ही बढ़िया करते हैं और बहुत ही काबिले तारीफ है। अगर आप अभी प्रेजेंटेशन देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि भाई कितना इन्होंने काम कर रखा है, और बहुत ही डिटेल में जाएंगे। और मैं इनसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हम प्रोफेशनल ब्रदर एंड सिस्टर के लिए नई अपॉर्चुनिटी क्या है, हम और प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, या कुछ और स्कोप क्या है, हमें किन बातों का ख्याल भी रखना चाहिए, तो उन सब चीजों पर भी ध्यान देंगे। मैं अपने पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जैसा वेबिनार आपने पूरे थ्रू आउट द मंथ काफी इंटरेक्टिव रखा, काफी सारे क्वेश्चंस पूछे, काफी अपने आंसर भी दिए हैं, तो मेक इट एज इंटरेक्टिव एज पॉसिबल। उससे क्या होता है कि सिंस इट्स अ वेबिनार, फेस टू फेस वाली हो नहीं रही है, तो वेबिनार में क्या होता है कि आप जितना इंटरेक्टिव रखेंगे एज ए स्पीकर को भी बहुत अच्छा लगेगा, आई बिलीव स्पीकर को भी अच्छा लगता है, और एक नई चीज निकल के आती है, और कहीं ना कहीं बहुत सारी क्वेरीज और सॉल्यूशन ऐसे निकल के आते हैं जो कि हर मेंबर के बेनिफिट के लिए होता है। तो इन्हीं सब बातों के साथ खैर गौरव जी का मैं फॉर्मली जो फेस टू फेस सब कुछ स्वागत नहीं कर सकता, ना गुलदस्ते के साथ कर सकता, ना कुछ और कर सकता, बट गौरव जी
थैंक यू सो मच आप आए, है ना। आपसे बस रिक्वेस्ट होगी कि आप अपने प्रोग्राम का शुरुआत करें, आप अपने डिलीवरेशन स्टार्ट करें। थैंक यू गौरव जी, थैंक यू सो मच। आप सभी को मेरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, रेरा, द रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016। रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर पिछले काफी समय से चीजें थी कि ये कहीं ना कहीं ये जो सेक्टर है कहीं ना कहीं अनरेगुलेटेड था, ये प्रॉपरली रेगुलेटेड सेक्टर नहीं था और इस सेक्टर को लेके कोई कानून भी नहीं था। तो इसके लिए जो हमारी अभी आपके सामने स्लाइड शेयर भी होना शुरू हो गया ये है, तो बेसिकली रेरा को लेके। सो फ्रेंड्स, इस सेक्टर को लेकर कहीं ना कहीं काफी सारी चीजें थी कि इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी और ये सभी चीजें इस सेक्टर में नहीं थी। तो पिछले काफी समय से इस सेक्टर के रेगुलेशन और डेवलपमेंट के लिए बात चल रही थी। प्रेजेंट गवर्नमेंट ने इस सेक्टर में अपना कहीं ना कहीं ये एक सेटअप बनाया रेरा के कानून का। बहुत बार क्वेश्चन आता है ये चीजें सेमिनार्स में या डिस्कशंस में कि हम लोग इस रेरा को क्यों पढ़े, हमारे लिए इस रेरा की इंपॉर्टेंस क्यों है। आज की सेशन की कोशिश हम लोग यही करेंगे कि पहले मैं एक बार अपना ये प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग फिर लास्ट में FAQs और क्वेश्चन एंड आंसर लेंगे लास्ट के 15-20 मिनट में। सो फिलहाल रेरा को लेकर क्या इंपॉर्टेंस है कि रेरा को हम लोग क्यों पढ़े, रेरा हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए है अपार्ट फ्रॉम एज ए प्रोफेशनल भी। सो बेसिकली रेरा को लेकर ये है कि अगर आज आप लोग अपना कोई भी घर लेना चाहते हैं या अपनी कोई शॉप लेना चाहते हैं या कोई ऑफिस स्पेस लेना चाहते हैं, तो आज आप वो खुद से नहीं बना सकते, आपको कहीं ना कहीं बिल्डर की शेल्टर में जाना पड़ता है या बिल्डर से कॉन्टेक्ट करना पड़ता है। तो हमारे क्या क्या राइट्स है एज ए बायर, एज ए परचेजर, हमारे क्या क्या राइट्स है, तो वो सारी चीजों को लेके हमें रेरा जानना बहुत जरूरी है। उसके एज ए अलॉटी हमारे क्या क्या राइट्स हैं। बेसिकली रियल एस्टेट सेक्टर में बायर को अलॉटी के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा एज ए बिल्डर, एज ए प्रमोटर, हमारे क्या क्या राइट्स हैं और हमारे क्या क्या ऑब्लिगेशन हैं, वो सभी कुछ हमें रेरा से पता चलता है। उसके अलावा बेसिकली सेक्टर एज ए प्रोफेशनल, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, हमारे लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, बेसिकली हम प्रोफेशनल्स के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, वो भी कहीं ना कहीं हमें जो एक नई सेगमेंट आई है रेरा, तो उसमें क्या क्या है। बेसिकली इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें रेरा को पढ़ना जरूरी है। तो सबसे पहले एक बार मैं जल्दी से एक बैकग्राउंड ऑफ लॉ का टच बेस कर लेता हूँ। रेरा, द रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016, इसकी जो नोडल एजेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट में, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, MOHUA, बेसिकली उसका ये ब्रेन चाइल्ड है श्री हरदीप सिंह पुरी जी, इसके अभी प्रिजाइडिंग मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के। जो रेरा बेसिकली कानून है, द रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये एक्ट अपना बनाया 2016 में, 2016 में, और स्टेट गवर्नमेंट को 4-5 पावर दी चीजों को करने के लिए। बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस एक्ट को बनाने के बाद, इसमें ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, बेसिकली इसमें स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया कि आप रूल्स बनाइए, अथॉरिटी की वेबसाइट बनाइए, जो भी इस एक्ट में जो अथॉरिटी बनेगी उसकी आप वेबसाइट और पोर्टल बनाइए, रूल्स बनाइए, उसके अलावा आप अपीलेट ट्राइब्यूनल बनाइए, बेसिकली उसके अलावा आप एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को अपॉइंट करिए। इस तरीके से ये 4-5 चीजों को बनाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस एक्ट में दी। बेसिकली इस अगर हम लोग अपने फेडरल, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे इंडिया में वो फेडरल स्ट्रक्चर है, बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में लैंड का ज्यूरिसडिक्शन नहीं होता, जो स्टेट गवर्नमेंट से उनके हैंड में लैंड आती है बेसिकली हमारे इंडिया में। फॉर एग्जाम्पल चाहे यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, चाहे हरियाणा हो गया, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ये कानून बनाया, बेसिकली जो स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाते हैं लैंड को लेके, लैंड स्टेट का सब्जेक्ट है,
वो कॉन्स्टिट्यूशन की स्टेट लिस्ट में एंट्री नंबर 18 में कानून बनाते हैं, लेकिन जो रेरा कानून बना वो कॉन्करेंट लिस्ट में एंट्री नंबर 6 और 7 में। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में तीन तरह की लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो रेरा कानून बना वो बेसिकली कॉन्करेंट लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया एंट्री नंबर 6 और 7 में रिगार्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से ये कानून बना, इसका ये स्ट्रक्चर था। ये कुछ डेट शीट है, इसको सिंपली एक बार हम लोग देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि जो रेरा एक्ट का फुल फ्लेश्ड इंप्लीमेंटेशन हुआ वो आपके सामने एक स्लाइड है। रेरा एक्ट में टोटल 92 सेक्शंस हैं। रेरा के हाफ ऑफ द सेक्शंस जो नोटिफाई हुए थे वो फर्स्ट में 2016 हुए थे, और जो हाफ ऑफ द सेक्शंस नोटिफाइड हुए वो फर्स्ट में 2017 हुए। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि पूरे भारत देश में रेरा एक्ट का जो इंप्लीमेंटेशन हुआ वो 1 मई 2017 से हुआ। तो इस तरीके से ये एक्ट हमारा फोर्स में आया। एक इसके अलावा एक अभी आज रेरा का ये स्टेटस है, ये लेटेस्ट स्टेटस है पूरी कंट्री में। ये आप सब्जेक्ट को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए है कि क्या क्या पूरी कंट्री में रेरा का क्या स्टेटस है अभी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें स्टेट और यूटीज के नेम है, यूनियन टेरिटरीज के जनरल रूल्स हो गए इसमें, जो मैंने अभी बताया था रूल्स नोटिफाई करने थे स्टेट गवर्नमेंट को। रेगुलेटरी अथॉरिटी का एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अपीलेट ट्राइब्यूनल जो कि रेरा एक्ट में जिनके लिए प्रावधान दिया गया है। वेब पोर्टल, रेरा अथॉरिटी की पोर्टल और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर कि किस स्टेट ने कितना कितना काम किया है। अगर हम लोग दिल्ली की बात करें या दिल्ली के सराउंडिंग स्टेट्स की बात करें तो एनसीटी ऑफ दिल्ली 9 नंबर पर। जनरल रूल्स नोटिफाइड हो चुके हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटी परमानेंट एस्टेब्लिश हो चुकी है, ट्राइब्यूनल हो चुका है, वेब पोर्टल सेटअप हो चुकी है, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अभी अपॉइंट नहीं हुआ है। आपकी जो भी क्वेरीज है आप अपने पास नोट कर लीजिए, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में हम लोग एक साथ सारी क्वेरीज को एक बार एड्रेस कर लेंगे। उत्तर प्रदेश यूपी की हम लोग बात करें जो कि दिल्ली की सराउंडिंग स्टेट्स है, और कहीं ना कहीं रेरा के आने का मेन कॉज है यूपी। अगर हम लोग बात करें बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर ये चर्चा होती है कि रेरा क्यों आया, वो कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर के मार्केट की वजह से यहाँ पर रेरा आया, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ अलॉटीज बेसिकली। यूपी की हम लोग बात करें तो जनरल रूल्स नोटिफाई हो चुके हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटी परमानेंट हो चुकी है, ट्राइब्यूनल हो चुका है, वेब पोर्टल सेटअप हो चुकी है, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अपॉइंट हो चुका है। यूपी में करीब करीब 3000 प्रोजेक्ट्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं। पूरी कंट्री में अगर हम लोग बात करें तो अप्रोक्सीमेट पूरी कंट्री में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज के पास 55,000 अप्रोक्सीमेट रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो इस तरीके से ये पूरा एक हमारा सेटअप है पूरे एक्ट का। बेसिकली रेरा एक्ट को जानने से पहले मेरा मानना यह है कि रेरा एक्ट को जानने से पहले आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में जानना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे रियल एस्टेट सेक्टर वर्क करता है। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स मैं आपको ये बता दूं कि जो रेरा है वो रेरा रेजिडेंशियल रियल एस्टेट पर भी लगता है, कॉमर्शियल रियल एस्टेट पर भी लगता है, अफोर्डेबल हाउसिंग पर भी लगता है, ग्रुप हाउसिंग हो गया, प्लॉटेड डेवलपमेंट हो गया, विला डेवलपमेंट हो गया, आईटीएस हो गया, कोई कॉमर्शियल आईटी पार्क है वो हो गया। रेरा सभी तरह के रियल एस्टेट पर लगता है। बहुत लोगों के दिमाग में होता है कि रेरा किस सेक्टर में लगता है किसमें नहीं लगता, तो आप मानिए कि रेरा पूरे रियल एस्टेट सेक्टर पे लगता है। इसमें कुछ थ्रेशोल्ड लिमिट है, हम लोग उन थ्रेशोल्ड लिमिट्स को बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स सबसे पहले ये है कि हमें ये जानना जरूरी है कि कैसे रियल एस्टेट सेक्टर वर्क करता है, जिससे कि हम लोग रेरा को थोड़ा और नजदीक से या ठीक से समझ पाए। मैं एक आपको एग्जाम्पल लेता हूँ। बेसिकली एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करिए, माना मुझे एक ग्रुप हाउसिंग बनानी है या मुझे एक ऑफिस स्पेस बनाना है, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाना है, फॉर एग्जाम्पल 2000 स्क्वायर मीटर में दिल्ली। तो सबसे पहले मुझे लैंड एक्वायर करनी होगी। दिल्ली में जो लैंड होती है वो फ्री होल्ड लैंड है, मैं फ्री होल्ड लैंड एक्वायर करूंगा दिल्ली में। मैंने लैंड परचेज की 2000 स्क्वायर मीटर। वो लैंड परचेज करने के बाद मैं उस लैंड पे
जो भी वहां पे डेवलपमेंट अथॉरिटी है या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, सक्षम प्राधिकरण, मैं उसके पास जाके अपने मैप्स का अप्रूवल कराऊंगा, लेआउट प्लान अप्रूव कराऊंगा। अगर हम लोग दिल्ली की बात करें तो दिल्ली वाले केस में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, विकास प्राधिकरण, जो कि मैप्स को अप्रूव करती है। उसी तरीके से यूपी में अलग अलग है, उसी तरीके से हरियाणा में है। बेसिकली जो ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है या जो लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, ये एरिया के प्लान्ड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट को मॉनिटर करती है। तो इस तरीके से ये आप मानिए कि मैंने पहले 2000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट परचेज किया, उसके बाद मैंने अपने नक्शे मैप्स अप्रूव कराए, देन अब आता है जो रोल आता है वो रेरा का रोल आता है। मैं दिल्ली रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी दिल्ली रेरा में अपनी पूरी एप्लीकेशन वगैरह बना के मैं उस एप्लीकेशन को ऑनलाइन सबमिट करूंगा दिल्ली रेरा में रजिस्ट्रेशन के लिए। मैं उसके साथ सारे मैप्स वगैरह लगाऊंगा और जो जो चीजें मुझे रजिस्ट्रेशन के लिए लगानी है वो सारी चीजें मैं लगाऊंगा उस एप्लीकेशन के साथ रजिस्ट्रेशन के लिए। मेरा दिल्ली रेरा में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, मेरे 170-30 के बैंक अकाउंट्स ओपन हो जाएंगे और इस तरीके से मैं अब रियल एस्टेट सेक्टर में अपना वो जो प्रोजेक्ट है मेरा कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स का, उसका मैं रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट कर सकता हूँ, सॉरी उसका मैं डेवलपमेंट कर सकता हूँ, उसमें कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज कर सकता हूँ, प्लस उसमें मैं सेल कर सकता हूँ। तो बेसिकली ये इस तरीके से रहा। देन जब मेरा 2000 स्क्वायर मीटर का जो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है वो अगर कंप्लीट हो जाता है, ठीक, तो उसके बाद मैं दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी DDA के पास दोबारा से जाऊंगा और उनको बोलूंगा जी आप मुझे OCCC ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे दीजिए। उस केस में मुझे DDA OCCC ग्रांट करेगा, मैं OCCC रेरा की पोर्टल पे सबमिट करूंगा, बाकी की सारी कंप्लायंस करूंगा। मीनवाइल मुझे रेरा में जब मेरा कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट चल रहा होता है तो मुझे कुछ कंप्लायंस भी करनी होती है ऑनगोइंग बेसिस पे, वो मैं सारी कंप्लायंसेस करूंगा और CCOC मिलने के बाद मैं CCOC रेरा अथॉरिटी में सबमिट कर दूंगा। जो मेरे बायर्स हैं, जो जिन्होंने मेरे यहाँ पे शॉप परचेज की है या ऑफिस स्पेस परचेज किया है, मैं उनकी रजिस्ट्री करूंगा, उनकी मैं कन्वीनियंस डीड करूंगा और वो कन्वीनियंस डीड में करने के बाद उसके बाद देन मैं उनको उसका जो शॉप है या जो ऑफिस स्पेस है उसका मैं पजेशन दूंगा, उसका मैं कब्जा दूंगा और उस प्रोजेक्ट को अलॉटीज की एसोसिएशन को ट्रांसफर करूंगा। इस तरीके से आपने पूरे प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल समझी अभी कि कैसे कैसे ये पूरा प्रोजेक्ट वर्क करता है और यहाँ पे रेरा का क्या रोल है। तो ये समझना बेहद जरूरी है रेरा समझने के लिए कि रियल एस्टेट सेक्टर किस तरीके से काम करता है, किस फ्रेमवर्क में काम करता है। हमारे सामने जो स्क्रीन खुली हुई है ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट, इन्होंने बड़ी अच्छी बातें लिखी है इसके लिए कि बेसिकली एन एक्ट टू एस्टेब्लिश द रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी एडजुडिकेटिंग मैकेनिज्म और बेसिकली अपीलेट ट्राइब्यूनल वगैरह का सेटअप होना और इस तरीके से इसके इंसिडेंटल मैटर। तो ये बेसिकली रेरा का ये एक सिस्टम था। अब हम लोग सीधा एक बार रेरा का जो चार्जिंग सेक्शन है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, रेरा के चार्जिंग सेक्शन को। ये डेफिनेशन है कुछ, इन डेफिनेशन को हम लोग एक बार बाद में करेंगे, पहले एक बार चार्जिंग सेक्शन की बात कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट विद रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी सेक्शन 3। मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों के हैंड्स रेज हुए हैं, मेरा कहना ये है फ्रेंड्स कि हम क्वेरीज को एक साथ लेंगे, पहले मैं एक बार ये पूरा टॉपिक कंक्लूड कर लेता हूँ फिर हम लोग क्वेरीज को एक साथ लेंगे। बेसिकली No promoter shall advertise, market, book, sale or offer for sale or invite person to purchase in any manner any plot, apartment or building as the case may be in any real estate project or part of it in any planning area without registering the real estate project with real estate regulatory authority. मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलूं कि अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट करना है रियल एस्टेट का, ठीक, और आप उसमें जब तक सेल नहीं कर सकते, थर्ड पार्टी ऑब्लिगेशन नहीं ले सकते जब तक कि आप रेरा का रजिस्ट्रेशन नहीं करा लेंगे, आपको रेरा का रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है, ठीक है। कुछ जगह पर ये क्वेश्चन आता है, मैं शेयर कर लेता हूँ, हो सकता है आप में से पार्टिसिपेंट में से भी कुछ का क्वेश्चन होगा कि साहब मैं
थर्ड पार्टी ऑब्लिगेशन नहीं लेता हूँ, या मैं कोई भी कलेक्शन नहीं लेता हूँ, या मैं कोई सेल नहीं लेता हूँ, डू आई नीड टू गेट माई प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड विद रेरा अथॉरिटी? द आंसर इज नो. अगर मैं किसी भी तरीके का थर्ड पार्टी ऑब्लिगेशन नहीं लेता हूँ तो मुझे रेरा अथॉरिटी में किसी भी तरीके का रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है. लेकिन इट इज एडवाइजेबल कि आप रेरा का रजिस्ट्रेशन कराइए, क्योंकि कल को अगर आपको फंड्स की जरूरत होती है और आप थर्ड पार्टी ऑब्लिगेशन लेना चाहते हैं या जनरल पब्लिक के पास जाते हैं तो आप वो नहीं कर पाएंगे विदाउट रेरा रजिस्ट्रेशन. सो इट इज एडवाइजेबल अगर कोई भी प्रमोटर है या कोई भी बिल्डर है और उसको कोई भी प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट या कंस्ट्रक्शन करना है तो उसको अपने प्रोजेक्ट का रेरा अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए. ठीक, मैंने अभी आपको पीछे जैसे बताया था कि रेरा के जो इम्प्लीमेंटेशन की डेट थी, रेरा की पूरी कंट्री में जो रेरा इम्प्लीमेंट हुआ था वो 1 मई 2017, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है और बहुत ही लैंडमार्क डेट है रेरा के पॉइंट ऑफ व्यू से, 1 मई 2017. अगर माना किसी प्रोजेक्ट को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट या कंप्लीशन सर्टिफिकेट, संपूर्ति प्रमाण पत्र या अधिभोग प्रमाण पत्र 30 अप्रैल 2017 तक नहीं मिलता है तो उस वाले सिनेरियो में उसको रेरा में अपने प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन कराना होगा. बेसिकली या इसको इस तरीके से कहिए कि रेरा में जो प्रोजेक्ट्स की कैटेगरी है वो दो तरीके से है, पहला ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, दूसरा न्यू प्रोजेक्ट. न्यू प्रोजेक्ट के तो आप नाम से समझ सकते हैं कि 1 मई 2017 के बाद वो किसी प्रोजेक्ट में मैप्स वगैरह अप्रूव्ड हुए हो और प्रोजेक्ट का स्टार्ट हुआ हो 1 मई 2017 के बाद, तो वो आपका न्यू प्रोजेक्ट होगा. और अगर कोई प्रोजेक्ट 1 मई 2017 से पहले चल रहा है लेकिन आपको OCCC नहीं मिला है 30 अप्रैल 2017 तक तो वो आपका ऑनगोइंग प्रोजेक्ट कहलाएगा और आपको रेरा अथॉरिटी में जाके अपने प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स. तो इस तरीके से आपको ये करना पड़ेगा. अगर आपको OCCC मिल चुका है 30 अप्रैल 2017 तक तो आपको रेरा में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है. तो इस तरीके से बेसिकली रेरा से बचने के लिए तीन तरीके हैं या रेरा की थ्रेशोल्ड से बचने के लिए. फर्स्ट हुआ कि वेयर द एरिया ऑफ लैंड प्रपोज टू बी डेवलप डज नॉट एक्सीड 500 स्क्वायर मीटर और द नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स प्रपोज टू बी डेवलप डज नॉट एक्सीड 8 इंक्लूसिव ऑफ ऑल फेजेस. फॉर एग्जांपल, अगर मैं 500 स्क्वायर मीटर तक का डेवलपमेंट करता हूं या 8 दुकान या 8 फ्लैट से ज्यादा नहीं बनाता हूं तो मुझे रेरा में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 300 स्क्वायर मीटर का एक कॉमर्शियल ऑफिस स्पेस बनाता हूं, 300 स्क्वायर मीटर का लैंड का एरिया, लैंड पार्सल आपकी रजिस्ट्री के हिसाब से या सेल डीड के हिसाब से अकॉर्डिंग टू, ठीक, और उसमें मैं 20 दुकानें बनाता हूं या 15 दुकानें बनाता हूं 300 स्क्वायर मीटर के लैंड पार्सल में, तो इसका मतलब ये जो दोनों लिमिट है 500 स्क्वायर मीटर और 8, ये दोनों इधर और लिमिट है, दोनों अलग अलग है, तो इसका मतलब 15 दुकानों की स्थिति में स्टेटस में मुझे रेरा का रजिस्ट्रेशन कराना है, ठीक. और अगर सपोज करिए मैं 600 स्क्वायर मीटर में एक सिंगल कोठी बनाता हूं, ठीक, तो मेरी 500 स्क्वायर मीटर की लिमिट एग्जॉस्ट हो जाती है, उससे ऊपर ज्यादा आ जाती है तो मुझे 600 स्क्वायर मीटर होने की वजह से एक मैं अगर कोठी बना रहा हूं, एक बड़ी विला बना रहा हूं और बनाते समय उसे बेच रहा हूं, थर्ड पार्टी ऑब्लिगेशन ले रहा हूं, तो मुझे रेरा में मेरा रजिस्ट्रेशन कराना है. तो इसका मतलब ये एक रूल सेटल्ड प्रिंसिपल हो गया कि अगर 500 स्क्वायर मीटर और 8 अपार्टमेंट से शॉप, 8 अपार्टमेंट का जो मतलब है यहाँ पे वो शॉप और फ्लॉट फ्लैट दोनों है, ठीक है, अगर मैं उससे कम बनाता हूं तो मुझे रेरा में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं. दूसरा बचाव का तरीका है रेरा से कि अगर माना प्रमोटर को किसी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट की स्थिति में 30 अप्रैल 2017 तक अगर कोई पुराना प्रोजेक्ट चल रहा है 30 अप्रैल 2017 से पहले का और 30 अप्रैल 2017 तक OCCC मिल चुका है तो मुझे रेरा में रजिस्ट्रेशन नहीं कराना. ये मेरी सेकंड कंडीशन है रेरा से बचने के लिए
यह रेरा का एक्सक्लूजन आप इसको कह लीजिए, ठीक है। थर्ड कंडीशन या सी कंडीशन है फॉर द पर्पस ऑफ रिपेयर रिनोवेशन और रीडेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा होगा बॉम्बे में या मुंबई में 30-40 साल पुरानी बिल्डिंग है, तो वो जो पुरानी बिल्डिंग है आज वो उनकी जो कंडीशन है वो ठीक नहीं है, वो रिपेयर और मेंटेनेंस मांग रही है। ऐसी बिल्डिंग को वो लोग बिल्कुल प्लेन करके या ऐसी बिल्डिंग को पूरा गिरा के ऐसी स्थिति में वो फ्रेश तरीके से उसमें डेवलपमेंट करते हैं, ठीक। अगर माना ऐसी स्थिति में अगर वो किसी को अपने जो फ्लैट है या जो अपार्टमेंट है वो किसी को बेच रहे हैं, तो इसका मतलब जो हमारा रेरा का थंब रूल है थर्ड पार्टी ऑब्लिगेशन का, तो वो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाए होगा, ऑल्दो वो आपका रिनोवेशन का, रिपेयर का या रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है। और अगर उसमें कोई थर्ड पार्टी ऑब्लिगेशन नहीं है और जो एग्जिस्टिंग उसमें जो रेजिडेंट्स थे ये वो बिल्डिंग बन रही है, तो ऐसी स्थिति में रेरा का रजिस्ट्रेशन आपको कराने की जरूरत नहीं है। इसमें एक चीज और आगे बढ़ते हैं, इसमें कॉम्प्लेक्स टेक्निकल चीज है कि सपोज करिए मेरा एक अगर मैं दिल्ली की बात करूं डेवलपमेंट अथॉरिटी DDU 10,000 चार ब्लॉक या टॉवर उसने मेरे पास किए, इस तरह आप ग्रुप हाउसिंग में चार टॉवर बना सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं चार टॉवर में से, क्योंकि कोरोना की वजह से COVID-19 की वजह से मार्केट में डिमांड कम हो गई है, तो मुझे एक बार मार्केट को चेक करना है और आउट ऑफ 4 टॉवर्स मैं केवल 2 टॉवर्स ही मार्केट में बनाना चाहता हूँ, उससे मैं एक बार डिमांड को जज कर लूंगा और बाकी के बचे हुए 2 टॉवर में बाद में बनाऊंगा। तो ऐसे सिनेरियो में ये रेरा का फेज वाइज रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। आप फेजिंग कर रहे हैं बेसिकली, पहले 2 टॉवर बना रहे हैं, बाद में 2 टॉवर बनाएंगे, पहले ए और बी टॉवर बना रहे हैं, बाद में सी और डी टॉवर बनाएंगे, ठीक है। तो आप फॉर एग्जाम्पल अगर माना मेरे प्रोजेक्ट का नाम है XYZ, तो मेरे इन 2 टॉवर का हो जाएगा XYZ फेज 1, तो इस फेज 1 में ए और बी टॉवर हो जाएंगे। और मैं दोबारा जब रेरा में रजिस्ट्रेशन कराऊंगा 1 साल बाद या 2 साल बाद, तब मेरा वो हो जाएगा XYZ प्रोजेक्ट फेज 2, तो इस तरीके से वो मेरा फेज 2 होगा। तो ये मैंने आपको पूरी रेरा की एक रजिस्ट्रेशन की स्कीम अभी मैंने आपको बताई कि किस किस तरीके से रेरा इसमें काम करता है रजिस्ट्रेशन में, ठीक है। आपको ये सेक्शन 3 है, सेक्शन 4 में आपको रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन, वो जो भी रेरा पोर्टल है, अगर वो हरियाणा रेरा अथॉरिटी के पोर्टल है, दिल्ली रेरा अथॉरिटी के पोर्टल है, यूपी रेरा अथॉरिटी के पोर्टल है, तो वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद वो जो भी स्टेट स्पेसिफिक अथॉरिटी है, चाहे वो यूपी रेरा है, चाहे वो हरियाणा रेरा है, चाहे वो दिल्ली रेरा है, आपकी एप्लीकेशन में जो जो चीजें होंगी उसमें वो कमियां बताएंगे, ऑब्जेक्शन बताएंगे। उसके बाद आपको उन ऑब्जेक्शंस को रिमूव करना होगा। ऑब्जेक्शंस को रिमूव करने के बाद आपको रेरा का रजिस्ट्रेशन ग्राम। रेरा के रजिस्ट्रेशन में एक बड़ी अच्छी ब्यूटी है कि इसमें बेसिकली एक्ट में इटसेल्फ ये लिखा गया है या एक प्रावधान है कि इसको आप, ये जो प्रोविजन है, आप इसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत भी ले सकते हैं कि अगर माना आपने एप्लीकेशन सबमिट की फॉर एग्जाम्पल, ठीक, और अगर आपकी फाइल पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, तो विद इन 30 डेज आपका डीम्ड रजिस्ट्रेशन हो जाए। ये एक बहुत अच्छा कानूनी प्रावधान है, इसका बेनिफिट हम लोग ले सकते हैं अपनी रेरा की प्रैक्टिस में। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए कि आज मैं एक एप्लीकेशन सबमिट करता हूँ 26 अगस्त 2020 को यूपी रेरा पोर्टल पे या दिल्ली रेरा पोर्टल पे, एक मैंने एप्लीकेशन सबमिट की रेरा के रजिस्ट्रेशन की, मुझे दिल्ली रेरा ने 4 दिन बाद यानी कि 31 अगस्त को मुझे ऑब्जेक्शन लेटर दे दिया कि आपने जो फाइल्स ऑफ एप्लीकेशन सबमिट किया रजिस्ट्रेशन के लिए उसमें ये 4-5 कमियां हैं, ठीक है, आप उन कमियों को दूर कीजिए। मैंने वो कमियां फॉर एग्जाम्पल 5 सितंबर 2020 तक पूरी कर दी, ठीक, उसके बाद मैंने वो कमियां पूरी करके अपना लेटर दाखिल कर दिया, लेटर अपलोड कर दिया पोर्टल पर, ठीक।
उसके बाद अगर मुझे विद इन वन मंथ रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है तो विद इन वन मंथ यानी कि 30 वर्किंग डेज में मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है तो आफ्टर 30 वर्किंग डेज मेरा ये रजिस्ट्रेशन डीम्ड हो जाएगा, स्वतः माना जाएगा और मुझे अथॉरिटी में, मुझे रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर अथॉरिटी को मेरे प्रोजेक्ट को देना पड़ेगा और मुझे यूजर आईडी एंड पासवर्ड भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये रेरा का एक रेरा की स्कीम है बेसिकली रजिस्ट्रेशन को लेके और इन चीजों को लेके। एक छोटा सा पॉइंट और है उसमें, वो हम लोग डिस्कस कर लेते ड्यूरिंग द डिस्कशन। बेसिकली ये जो रेरा की स्कीम है, रेरा की स्कीम बेसिकली होगा जैसे दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी डीडी, संदीप सर आर यू देयर? संदीप सर कैन यू हियर मी? मैं सुन रहा हूँ सर। सर लुक्स लाइक स्पीकर साहब डिस्कनेक्ट हो गए हैं, कैन यू कॉल हिम एंड कनेक्ट अगेन? हाँ हाँ मैं बोलता हूँ फिर से कनेक्ट करने के लिए। राइट सर, मेंबर्स आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज बेयर विद अस टिल द टाइम द स्पीकर कनेक्ट्स अगेन। फ्रेंड्स थोड़ी टेक्निकल इशू आ गई थी, हमारे स्पीकर साहब फिर से लॉग इन कर रहे हैं, प्लीज वेट फॉर सम टाइम, दो मिनट। सर इज ही जॉइनिंग बैक? ही इज जॉइनिंग केशव। राइट सर, राइट, ओके।
सॉरी फ्रेंड्स, अभी ये डिस्कनेक्शन हो गया था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी. सो बेसिकली हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से, मैं आपको अभी एक एग्जांपल से बता रहा था कि किस तरीके से, कि अगर माना वो जो ग्राम पंचायत है या जिला पंचायत है, बियॉन्ड प्लानिंग एरिया भी अगर वो प्रोजेक्ट को अप्रूव कर देती है, तो वहां पे उस प्रोजेक्ट को रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा. सो इस तरीके से ये मैंने आपको रेरा की बेसिक स्कीम आपको बताई, ये है. अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि रेरा में आगे फर्दर चीजों को डिस्कस करते हैं. इसके अलावा सेक्शन, हम लोगों ने अभी सेक्शन 3 डिस्कस कर लिया रेरा का रजिस्ट्रेशन, उसके अलावा सेक्शन 4 हम लोगों ने रेरा के रजिस्ट्रेशन का डिस्कस कर लिया. सेक्शन 5 भी उसी तरीके का है. अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट सेक्शन डिस्कस कर लेते हैं, सेक्शन 6. जो सेक्शन 6 है बेसिकली, थोड़ा सा 1 सेकेंड फ्रेंड्स, सेक्शन 6 बेसिकली रेरा में एक्सटेंशन को लेकर है, कि किस तरीके से रेरा में हमें एक्सटेंशन मिलेगा प्रोजेक्ट का. आपके सामने अभी स्लाइड आ रही है, आप एक मिनट दीजिए. यस, अभी आपने पीछे ये न्यूज में देखा होगा, पढ़ा भी होगा, कि भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के तहत, सेल्फ रिलायंट इंडिया के अंडर, जो रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स थे उनको 6 मंथ्स का एक्सटेंशन ग्रांट किया था बेसिकली अभी. और उन्होंने एक एडवाइजरी निकाली थी 13 मई 2020 की, 13 मई 2020 की, जिसमें कि जितनी भी रेरा अथॉरिटीज हैं उनको ऑन अकाउंट ऑफ कोविड-19 नोवल कोरोना वायरस की वजह से 6 मंथ्स का एक्सटेंशन ग्रांट करना था. ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और बड़ा अच्छा सेक्शन है, एक्सटेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन. इसको सबसे पहले यहां से डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से टाइमलाइन है फॉर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट. द टाइम पीरियड डिक्लेयर्ड बाय द प्रमोटर टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट एज पर सेक्शन 42LC. बेसिकली जब भी हम लोग रेरा में रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन फाइल करते हैं, उस समय हम लोग एक टाइम पीरियड देते हैं कि इस पीरियड में मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा. वो जो हम लोग टाइम पीरियड सबमिट करते हैं रेरा में, वो टाइम पीरियड आपके जो सेंक्शन मैप है, जो डेवलपमेंट अथॉरिटी ने आपके मैप सेंक्शन किए हैं या जो लेआउट सेंक्शन किए हैं, उनको उस डेट को ध्यान में रख के दिए जाते हैं. ठीक है, तो बेसिकली ये टाइम पीरियड सेक्शन 42LC में कोई भी प्रमोटर अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए देता है. ये टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन फ्रेंड्स. इसके बाद अगर माना इस टाइम पीरियड में वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाता है, देन हम से वो प्रमोटर सेक्शन 6 में एक्सटेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ले सकता है मैक्सिमम अप टू 1 ईयर. 1 ईयर का उसको सेक्शन 6 में एक्सटेंशन मिलेगा. अभी जो इससे पहली स्लाइड है उसमें सेक्शन 6 का ये है एक्सटेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन. सेक्शन 6 एक्सटेंशन की बात कहता है. ये सेक्शन 2 पार्ट्स में डिवाइड है, फोर्स मेजर अदर देन फोर्स मेजर. जो सेक्शन, जो 1 ईयर का एक्सटेंशन है वो अदर देन फोर्स मेजर मिलता है आपको. इसमें कुछ कंडीशंस है कि आपकी रीजनेबल सर्कमस्टांसेस होनी चाहिए, विदाउट डिफॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द प्रमोटर होनी चाहिए, और ये कहीं ना कहीं जो रेरा अथॉरिटी है उसका पूरी तरीके से प्रीरियोगेटिव है. ये है, ये अदर देन फोर्स मेजर आपको मिलता है. बेसिकली जो रेरा में ये डेट दी जाती है, ये आप, ये रेरा में कंस्ट्रक्शन के लिए डेट है बेसिकली, कि आप इस दौरान कंस्ट्रक्शन करेंगे और अपने प्रोजेक्ट को अलॉटीज को हैंडओवर करेंगे. तो ये अदर देन फोर्स मेजर है. और अपनी हिस्ट्री, अभी फर्स्ट टाइम इतना बड़ा जो कोविड-19 का इतना सब कुछ हुआ, ये फोर्स मेजर कंडीशन में आया. कोविड-19 फोर्स मेजर की उन्होंने एक्ट में इटसेल्फ डेफिनेशन दी है, मीन ए केस ऑफ वॉर, फ्लड, ड्रॉट, फायर, साइक्लोन, अर्थक्वेक और एनी अदर क्लेमिटी कॉस्ट बाय नेचर अफेक्टिंग द रेगुलर डेवलपमेंट ऑफ द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट. तो इस तरीके से ये एनी अदर क्लेमिटी कॉज्ड बाय नेचर, ये क्लेमिटी नेचर की जरिए कॉज्ड हुई है, नेचर की वजह से हुई है, और इसने कहीं ना कहीं
रेगुलर डेवलपमेंट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का हेम्पर किया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी निकाली थी 13 मई 2020 को, ये आपके सामने वो एडवाइजरी है, उसके जिस्ट है उस एडवाइजरी के कि साहब जो रेरा अथॉरिटीज है रेगुलेटरी अथॉरिटी में इश्यू सूटेबल ऑर्डर्स डायरेक्शंस टू एक्सटेंड द रजिस्ट्रेशन डेट ऑटोमेटिकली बाय 6 मंथ्स। तो इस तरीके से आपको 6 महीने का एक्सटेंशन मिला है। इस एडवाइजरी के अंडर अधिकतर स्टेट रेरा अथॉरिटीज ने एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो इस तरीके से फोर्स मेजोर में हमें 6 मंथ्स का एक्सटेंशन मिला है। क्वेश्चन आता है सब कि अगर माना किसी को 6 मंथ्स का ये एक्सटेंशन मिल गया फोर्स मेजोर का, तो क्या 1 ईयर का एक्सटेंशन नहीं मिल सकता? द आंसर इज यस, बिल्कुल मिल सकता है। जो सेक्शन 6 का एक्सटेंशन है अदर देन फोर्स मेजोर वो अलग है और फोर्स मेजोर का एक्सटेंशन का सिस्टम अलग है। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि सेक्शन 6 का ही एक्सटेंशन हुआ, ठीक है। उसके मैं आपको एक एग्जांपल से और बता देता हूं सेक्शन 6 का। फॉर एग्जांपल किसी प्रमोटर ने अपने प्रोजेक्ट के लिए जो डेट दी थी वो 30 जून 2019 दी थी, फॉर एग्जांपल ओरिजिनली जब उसने रेरा में रजिस्ट्रेशन कराया था और वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट था, ठीक। 30 जून 2019 निकल गया, उसने 1 ईयर का एक्सटेंशन ले लिया सेक्शन 6 में, तो उसकी जो डेट बढ़कर 30 जून 2020 हो गई होगी, राइट? सॉरी। इसके बाद उसको 6 मंथ्स का कोविड का एक्सटेंशन मिला नेचुरल क्लेमिटी की वजह से। वो कोविड का जो एक्सटेंशन है वो दिसंबर 2020 तक एक्सपायर होगा, ठीक। यानी कि 30 जून 2020 से उसको 6 मंथ्स का एक्सटेंशन मिला जो कि 31 दिसंबर 2020 को उसका एक्सपायर होगा, ठीक। तो इस तरीके से सेक्शन 6 वर्कआउट करता है इसमें दैट वे। अब प्रश्न आता है, क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि साहब अगर मेरा ओरिजिनल टाइम पीरियड भी खत्म हो जाए, अगर मैं मेरे एग्जांपल में उसको कंसीडर करता हूं तो वो 30 जून 2019 था एज पर सेक्शन 42NC, मेरा सेक्शन 6 का भी खत्म हो गया 1 ईयर का 30 जून 2020, मेरा कोविड भी खत्म हो गया सेक्शन 6 में फोर्स मेजोर का 31 दिसंबर 2020, देन अब मेरे पास क्या वो है, लेकिन मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ और मेरे प्रोजेक्ट को OCCC नहीं मिला दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी DDA से, ठीक। उस वाले सिनेरियो में आपका सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 लाइमलाइट में आता है, जिसमें कि आपको अगर स्टेट रेरा अथॉरिटी ने सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 में अगर गाइडलाइंस फ्रेम कर दी हैं तो आपको उसमें अप्लाई करना होगा, अदरवाइज सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 में नॉर्मली आपको अप्लाई करना होगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मैंने आपको एक्सटेंशन का एक ये पूरा सिस्टम समझाया कि किस प्रकार से कि कैसे एक बार रेरा रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद अगर आपकी रेरा में डेट एक्सपायर हो जाती है तो कैसे कैसे आपको ये एक्सटेंशन मिलता है। उसके बाद आपका फ्रेंड्स फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ प्रमोटर्स सेक्शन 11, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है अपने आप में। इसमें बेसिकली रेरा की जो रिटर्न जाती है वो क्वार्टरली रिटर्न जाती है कि आपकी कितनी नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड हुए, कितने बुक हुए, कितनी पार्किंग वगैरह बुक हुई, कौन कौन से आपने अप्रूवल लिए और कौन कौन से आपको लेने हैं, आपकी आर्किटेक्ट इंजीनियर और CA के सर्टिफिकेट, वो हम लोग अभी लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो ये सारे क्वार्टरली आपको सबमिट करने होते हैं सेक्शन 11 में। ये क्वार्टरली रिपोर्ट होती है, इसको क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट QPR के नाम से भी जानते हैं बेसिकली, ठीक। सेक्शन 11 के बाद सेक्शन 13, आपके जो भी डाउट है हम सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे, आप नोट करते चलिए, लास्ट के हाफ एन आवर में ये सारे डाउट हम लोग एड्रेस करेंगे। रजिस्ट्रेशन ऑफ एग्रीमेंट फॉर सेल सेक्शन 13, बेसिकली फ्रेंड्स अगर मैं सपोज करिए एज ए बायर, अगर माना मुझे एक फ्लैट परचेज करना है या मुझे एक शॉप परचेज करनी है, ठीक है, तो मैं बिल्डर के पास जाऊंगा, बिल्डर को टेक्निकली रेरा में या रियल एस्टेट सेक्टर में प्रमोटर के नाम से भी बोलते हैं, ठीक। मैं प्रमोटर के पास गया, प्रमोटर को मैंने कहा कि जी मुझे शॉप परचेज करनी है, ठीक। प्रमोटर सबसे पहले मुझसे एक बुकिंग फॉर्म या इसको टेक्निकली बोलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रजिस्ट्रेशन, वो मुझसे साइन कराएगा, वो मेरा पहला फॉर्म होगा, ठीक। वो मुझे साइन कराने के बाद बिल्डर जब मुझसे वो साइन करा लेगा, ठीक, तो एक मैंने उसमें एक किसी भी शॉप के लिए मैंने अप्लाई कर दिया,
कि आप मुझे शॉप अलॉट कीजिए, देन बिल्डर मुझे अलॉटमेंट लेटर इश्यू करेगा कि साहब हमने आपको, आप हमारे आए थे, हमने आपको फला फला शॉप आपने अप्लाई की थी, उसके लिए आपने एप्लीकेशन दी थी हमें और हम आपको उसको अलॉट कर रहे हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रजिस्ट्रेशन के बाद हमें बिल्डर अलॉटमेंट लेटर देगा, ठीक, कि हमने ये शॉप आपको अलॉट कर दी है। देन मेरे और बिल्डर के बीच में एक कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन साइन होगा, जिसको कि हम लोग पॉपुलरली बिल्डर बायर एग्रीमेंट बीबीए के नाम से भी जानते हैं, या एग्रीमेंट फॉर सेल एएफएस, इसका ये टेक्निकल नेम है, ठीक। तो रेरा एक्ट में ये प्रावधान है या ये व्यवस्था की गई है कि साहब वो जो एग्रीमेंट फॉर सेल होगा, जो आपका कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन होगा, कि जब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता, बिल्डर को ओसीसीसी नहीं मिलती है और बिल्डर आपकी फाइनल रजिस्ट्री सेल डीड या कन्वीयंस डीड नहीं कराता, तब तक ये आप लोगों के बीच में कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन चलेगा। उस वाले सिनेरियो में आपका ये सेक्शन 13 में वो जो एग्रीमेंट फॉर सेल है या बिल्डर बायर एग्रीमेंट बीबीए है, उसका आपको सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराना है, ठीक है। ये भी कहीं ना कहीं अलॉटी या बायर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए व्यवस्था दी गई है। तो ये रजिस्ट्रेशन ऑफ एग्रीमेंट फॉर सेल मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। इसका जो फॉर्मेट है रजिस्ट्रेशन ऑफ एग्रीमेंट फॉर सेल का, वो स्टेट गवर्नमेंट, अगर हम लोग दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के केस में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, वो इसका फॉर्मेट नोटिफाई करेगी। तो बिल्डर और बायर को उसी फॉर्मेट को यूज करना है। यूपी की बात करें तो यूपी गवर्नमेंट, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट उस फॉर्मेट को नोटिफाई करेगी, एग्रीमेंट फॉर सेल या बिल्डर बायर एग्रीमेंट के फॉर्मेट। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये चीज रही। इसके अलावा आपका एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्शन, जिसको कि एज ए चार्टेड अकाउंटेंट हम लोगों को जानना बेहद जरूरी है, रेरा इसको हम लोग कर लेते हैं, बाकी फिर पीछे अभी चीजें छूटी है उनको एक बार बाद में डिस्कस कर लेंगे हम लोग। रेरा एस्क्रो मैकेनिज्म सेक्शन 4 बेसिकली इसको एक बार मैं रीड आउट कर देता हूँ। That 70% of the amount realized for the real estate project from the allottees from time to time shall be deposited in a separate account to be maintained in a scheduled bank to cover the cost of construction and the land cost and shall be used only for that purpose. Basically, मैं इसको आपको बताता हूँ, इसको एक example से हम लोग देखते हैं। Friends, basically जब RERA में registration हो जाता है किसी भी project का, तो प्रमोटर कंपनी को, जैसे कि माना एबीसी प्राइवेट लिमिटेड एक प्रमोटर कंपनी है जो कि एक्स वाई जेड प्रोजेक्ट कर रही है, ठीक है, तो उस एक्स वाई जेड नाम के प्रोजेक्ट के लिए प्रमोटर कंपनी को रेरा में 3 अकाउंट, बैंक अकाउंट ओपन करवाने होंगे 100, 70, 30। इस सिनेरियो में जो आपका 100% वाला अकाउंट होगा वो आपका कलेक्शन एस्क्रो अकाउंट होगा, ठीक है, उसका नेचर एस्क्रो का होगा। इसमें आपके कलेक्शन के चेक डलेंगे, ठीक है, मतलब एक अलॉटी आएगा, कलेक्शन के चेक इसी बैंक अकाउंट में डलेंगे और जो प्रमोटर कंपनी है वो इस बैंक अकाउंट को अपने कस्टमर को इंटीमेट करेगी कि साहब आप कलेक्शन के चेक इसी बैंक अकाउंट में डालिए, ये अकाउंट नंबर वन हुआ आपका, ठीक। तो इस तरीके से माना सपोज करिए मेरे पास 1,00,000 रुपए का चेक आया, 1,00,000 रुपीज का चेक आया, जो 1,00,000 रुपीज का चेक आया वो इंक्लूडिंग जीएसटी आया, ठीक। हालांकि रेरा में आप चाहे तो जो जीएसटी वाला पोर्शन है उसका चेक आप सेपरेटली भी ले सकते हैं, मतलब क्योंकि कहीं ना कहीं जीएसटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, उसका आप सेपरेट चेक ले सकते हैं, ठीक है, बट इट इज एडवाइजेबल क्योंकि जो ऑपरेशनल डिफिकल्टीज आपको रहेगी दो अलग अलग चेक लेने में, तो यूजुअली जितनी भी प्रमोटर कंपनीज हैं या जो प्रोजेक्ट्स हैं वो एक ही चेक लेते हैं। मेरे वाले एग्जाम्पल में 1,00,000 रुपए का चेक आया, उसके दो हिस्से हुए 70-30, ठीक, 70,000 रुपए एक अकाउंट में चले गए ऑटोमेटिकली, 30,000 एक अकाउंट में चले गए 30%। ये जो ऑटोमेटिकली जाता है ये बेसिकली जो जिस भी बैंक के यहाँ पे आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं वो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगाएगा, ऐसा ही लगाएगा, ठीक, और वहां पे ये ऑटोमेटिकली प्रोसेस होगा, ठीक। 70% मेरा रेरा डेजिग्नेटेड अकाउंट में चला गया जो कि अकाउंट नंबर 2 है, ये भी मेरा एस्क्रो अकाउंट है,
और 30,000 मेरा मेरे वाले एग्जांपल में डेवलपर के करंट अकाउंट में चला गया, अकाउंट नंबर थर्ड। ठीक, जो मेरा 70% अकाउंट है उससे आप जो पेमेंट करेंगे वो केवल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और लैंड कॉस्ट के लिए करेंगे। ठीक है, उसके लिए आप किसी और मद में पेमेंट नहीं कर सकते, किसी और हेड में पेमेंट नहीं कर सकते। और जो मेरा 30% अकाउंट है वो मेरा फ्री अकाउंट है, उसमें बिल्डर चाहे तो किसी भी हेड में उसका पेमेंट कर सकता है। मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे डाले हुए हैं। तो इस तरीके से ये एक अपने आप में सिस्टम है फ्रेंड्स। कंस्ट्रक्शन, अब आपका प्रश्न आता है कि ये जो 70% वाला अकाउंट है इससे विड्रॉल कैसे होगा, क्योंकि 30% वाला जो अकाउंट है वो आता आपका फ्री अकाउंट है, उसकी आपको चेकबुक भी मिल जाती है। ठीक, 70% वाले अकाउंट की कुछ बैंक चेकबुक देते हैं, कुछ बैंक अपने यहां से ट्रांसफर करते हैं उसको। तो आपको आर्किटेक्ट, इंजीनियर और सीए के सर्टिफिकेट सबमिट करने पड़ेंगे। वो सर्टिफिकेट सबमिट करने के बाद वो बैंक आपकी एलिजिबिलिटी डिसाइड करेगा, आपको चेकबुक देगा और आपका फंड्स विड्रॉ करेगा। कुछ हमारे यहाँ पे मार्केट में दो तीन तरह की प्रैक्टिस चल रही है फ्रेंड्स। कुछ बैंक क्या कर रहे हैं कि 70% की आपको चेकबुक देते हैं, आप आर्किटेक्ट इंजीनियर सीए के सर्टिफिकेट उनको सबमिट करते हैं, ठीक, और ऑटोमेटिकली आपका विड्रॉल होता जाता है। कुछ बैंक्स अपना ये करते हैं कि वो 70% से 30% वाले अकाउंट में पूरा पैसा ट्रांसफर कर देते हैं, यानी कि अब 30% वाला जो अकाउंट होगा इस वाले सिनेरियो में उसमें 1,00,000 रुपए इकट्ठे हो चुके होंगे 70% से जो आए और 30% में जो इटसेल्फ आए। अब प्रॉब्लम ये है कि इस तरीके से जो ये कुछ बैंक्स कर रहे हैं, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में, कि 70 से 30 में ट्रांसफर कर रहे हैं, वो अगेन द स्पिरिट ऑफ लॉ कर रहे हैं। क्योंकि देखिए 30 में तो ये पूरा पैसा मिक्स हो गया, अब मनी है नो कलर ये है। और कहीं ना कहीं जो एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि 70% वाले अकाउंट से ही कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और लैंड कॉस्ट का पेमेंट हो। कल को अगर रेरा अथॉरिटी इस अकाउंट की ऑडिट अवार्ड करता है तो यहाँ पे तो मोटी मोटी ट्रांसफर की एंट्री दिखेंगी, चेक की एंट्रीज नहीं दिखेंगी टुवर्ड्स कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एंड लैंड कॉस्ट। तो इस तरीके से मार्केट में अलग अलग प्रैक्टिस चल रही है। धीरे धीरे जो स्टेट रेरा अथॉरिटीज है इन सभी तरह की प्रैक्टिस को एड्रेस कर रही है और ये एक कहीं ना कहीं यूनिफॉर्मिटी इन सभी में डे बाई डे बनेगी। सॉरी, इस तरीके से ये मैंने आपको रेरा का फ्लो चार्ट बताया कि कैसे 100-70-30 का सिस्टम होता। अब हम लोग बात करते हैं कि बेसिकली जो कुछ चीजें और मैं बता दूं फ्रेंड्स कि जैसे जो अपना इनकम टैक्स है प्रमोटर का वो 30% वाले अकाउंट से जाएगा। ठीक है, जो ये 70% वाला अकाउंट है ये लियन फ्री अकाउंट है, मॉर्गेज फ्री अकाउंट है, आप इस पे कोई भी मॉर्गेज या लियर नहीं लगा सकते। इसके अलावा अगर आपकी कोई नॉन कंप्लायंस है किसी भी तरीके की या सीवियर नॉन कंप्लायंस है, ठीक है, तो अथॉरिटी चाहे जैसे यूपी रेरा अथॉरिटी हो गई या दिल्ली रेरा अथॉरिटी हो गई, वो जो एस्क्रो बैंकर है फॉर एग्जाम्पल कोटक महिंद्रा बैंक में आईसीआईसीआई बैंक में आपका अकाउंट खुला हुआ, तो उस बैंक को ये रिटर्न में इंस्ट्रक्शंस दे सकती है, डायरेक्शंस दे सकती है कि आप जो प्रमोटर या प्रोजेक्ट का पैसा है वो 70% वाले अकाउंट में आप होल्ड कर दीजिए, वहां से वो विड्रॉ ना हो। तो इस तरीके से अथॉरिटी इस तरह के डायरेक्शंस भी देती है। ठीक, ये मैंने आपके सामने फ्रेंड्स एक फॉर्मेट खोला है आर्किटेक्ट का, इंजीनियर का, सीए का। उसी तरीके से इंजीनियर और सीए का भी फॉर्मेट है। ये जो आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट है ये प्योर टेक्निकल है नेचर में, आप इसको वैसे ही देखते चलिए एक बार। इसमें प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस की अलग अलग कितना प्रोजेक्ट में काम हुआ है वो आर्किटेक्ट को सबमिट करना पड़ेगा। आपके जो आर्किटेक्ट इंजीनियर सीए होंगे वो तीनों प्रोजेक्ट से एसोसिएट भी होने चाहिए। इवन अगर हम लोग सीए की बात करें तो जो ये विड्रॉल के सर्टिफिकेट है आर्किटेक्ट इंजीनियर सीए जो कि ये क्वार्टरली जाते हैं, ठीक है, वो आपका स्टेचुरी ऑडिटर, अगर आप किसी फर्म में स्टेचुरी ऑडिटर हैं तो आप ये सर्टिफिकेट इश्यू नहीं कर सकते, वो अदर देन स्टेचुरी ऑडिटर ही सर्टिफिकेट इश्यू करेगा। एक बेसिकली बैलेंसिंग की है कहीं ना कहीं, और जो स्टेचुरी ऑडिटर है वो एक दूसरा सर्टिफिकेट इश्यू करेगा, और जो ये क्वार्टरली सर्टिफिकेट इश्यू किए हुए उस पर वो कमेंट करेगा अपने सर्टिफिकेट में। ठीक,
तो इस तरीके से इंजीनियर का सर्टिफिकेट है, इंजीनियर का सर्टिफिकेट कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कॉस्ट को लेकर है, एस्टिमेटेड इनकर्ड। इसकी फिगर्स को हम लोग सीए सर्टिफिकेट में भी यूज करते हैं, इंजीनियर सर्टिफिकेट की फिगर को। ये आपके सामने सीए सर्टिफिकेट का एक मॉडल है, मैं इसको जल्दी से एक बार ब्रीफ कर देता हूं। आपका ये जो सर्टिफिकेट है बेसिकली आप देख रहे हैं टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट और टोटल इनकर्ड कॉस्ट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक डेटा शीट है किसी भी एक प्रोजेक्ट की, एक एग्जाम्पल है लैंड कॉस्ट 1,91,00,000, ये फ्री होल्ड है माना, ठीक। हमारे इंडिया में दो तरह की लैंड होती है, फ्री होल्ड लीज होल्ड, ठीक। अगर हम लोग गौतम बुद्ध नगर यूपी में देखेंगे तो यहाँ पे लीज होल्ड लैंड है, अगर हम लोग हरियाणा में देखेंगे या दिल्ली में देखेंगे तो सारी वो फ्री होल्ड लैंड है। अगर मेरी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट थी वो 1,91,00,000 है फ्री होल्ड लैंड की, और मेरा इतना ही खर्चा हो चुका है, मतलब यानी कि मैंने रजिस्ट्री में इतना एक्सपेंस ऑफ कर दिया है, उसके अलावा मेरी प्रोजेक्ट क्लियरेंस फी 1,77,00,000 मेरी एस्टिमेटेड कॉस्ट है, और मेरी जो इनकर्ड कॉस्ट है वो 1,47,00,000 है। कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कॉस्ट भी 28,78,00,000 मेरी एस्टिमेटेड कॉस्ट है। हम ये मान के चले हैं कि एक्चुअली चार्टर्ड अकाउंटेंट को कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कॉस्ट एस्टिमेट करने का एक्सपर्टीज नहीं होता, तो हम लोग आप चाहें तो नोट्स टू सीए सर्टिफिकेट में ये वाला पॉइंट डाल सकते हैं। तो हमने जो प्रोजेक्ट जो इंजीनियर है सिविल इंजीनियर या जो चार्टर्ड इंजीनियर है उसने अपना जो सर्टिफिकेट दिया है उसी के बेसिस पे हमने इसको 28,78,00,000 रुपीस लिया है इस तरीके से, ठीक है। मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की कॉस्ट लूंगा, मेरे वाले एग्जाम्पल में 20,08,00,000 है, ये लैक्स में फिगर्स है फ्रेंड्स। और इंजीनियर ने जो एस्टिमेशन किया है वो 16,60,00,000 है, ठीक, विच एवर इज लोअर, ये दोनों में लोअर हो गया 16,60,00,000। फाइनेंस कॉस्ट इंटरेस्ट कॉस्ट ये आ गई मेरे सामने। तो इस तरीके से मेरे प्रोजेक्ट की जो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 44,75,00,000, और मेरी जो इनकर्ड कॉस्ट है वो 28,41,00,000। तो इस तरीके से ये मेरा, ये लैक्स में फिगर्स हैं आपके सामने एग्जाम्पल में, तो इस तरीके से मेरा ये अभी तक 28,41,00,000 रुपए का मैंने प्रोजेक्ट में खर्चा किया है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल और देता हूं इसमें कि सपोज करिए कि मेरी जो कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कॉस्ट है वो मेरी 60, मैंने अपने प्रोजेक्ट में 60,00,000 रुपए का खर्चा किया कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कॉस्ट में, ठीक, और उसमें से मेरे पास जो अलॉटीज का टोटल कलेक्शन आया वो 40,00,000 रुपए का आया, 40 CR का। 40 CR में से मेरा जो एलिजिबल कलेक्शन है अलॉटीज का कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कॉस्ट के लिए वो 28,00,000 रुपए है, 40,00,000 का 70%, क्योंकि 12,00,000 रुपए तो बिल्डर का खुद का पोर्शन है, ठीक। तो 28,00,000 के एवज में मैंने 60,00,000 रुपए का काम कर दिया कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का पूरा, ठीक। तो मैंने 32,00,000 का जो काम किया है वो कहीं ना कहीं प्रमोटर फंड से या मैंने कंस्ट्रक्शन फाइनेंस टर्म लोन या अनसिक्योर्ड लोन लिया होगा, जो भी कुछ है। तो इस तरीके से मैं, मेरी जो एलिजिबिलिटी है वो 32 CR की है, 32,00,000 की है मेरे इस एग्जाम्पल में, ठीक। तो मैं 32,00,000 तक फ्रीली विड्रॉ कर सकता हूँ अपने इसमें, 32,00,000 रुपए तक का मैं विड्रॉ कर सकता हूँ। तो इस तरीके से ये सीए सर्टिफिकेट का मैंने आपको एक क्रक्स बताया कि कैसे कैसे सीए सर्टिफिकेट में विड्रॉल की एलिजिबिलिटी निकलती है। अगर हम लोग प्रोसेस की बात करें तो बेसिकली ये जो आर्किटेक्ट इंजीनियर और सीए के सर्टिफिकेट है ये आपको हर विड्रॉल पे देने होते हैं, ठीक फ्रेंड्स। आप मान के चलिए इतनी ह्यूज अपॉर्चुनिटीज हैं इसमें, इस सभी में, सर्टिफिकेशन में ही, रेरा की कंसल्टेंसी में, रेरा के रजिस्ट्रेशन में, देयर आर ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटीज। तो बेसिकली आपको हर विड्रॉल पर आर्किटेक्ट इंजीनियर और सीए के सर्टिफिकेट देने होते हैं। अब यू मे बी सरप्राइज्ड कि किसी भी प्रमोटर कंपनी में या प्रोजेक्ट में तो 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए लेबर का पेमेंट हो रहा है, तो उसमें ये पॉसिबल नहीं है कि आप हर विड्रॉल पे आर्किटेक्ट इंजीनियर या सीए के सर्टिफिकेट। तो उसके लिए बैंक्स ने एक सिस्टम निकाला था कि आप क्वार्टरली सर्टिफिकेट सबमिट करिए, क्वार्टरली अपनी रिटर्न फाइल कर लिए कीजिए, क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट QPR फाइल कीजिए, उसके साथ उस सर्टिफिकेट को भी अपलोड करिए आर्किटेक्ट इंजीनियर और सीए, और
वो सर्टिफिकेट हमें भी दीजिए, एस्क्रो बैंकर को भी सबमिट करिए, ठीक। उसके बेसिस पे बैंक आपकी विड्रॉल की एलिजिबिलिटी जो भी होगी, जो सीए सर्टिफिकेट में मेंशन होगी, वो अपने सिस्टम में डाल देगा बैंक और ऑटोमेटिकली विड्रॉ करता रहेगा। और सॉरी, विड्रॉल की एलिजिबिलिटी पहले खत्म होती है या क्वार्टर पहले खत्म होता है, विच एवर इज अर्लियर, तो आपको दोबारा से सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको आर्किटेक्ट, इंजीनियर और सीए का ये पूरा सिस्टम बताया, कैसे ये वर्क करता है, ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। अब आपके सामने स्क्रीन में फॉर्म फाइल है, जो कि एनुअल रिपोर्ट और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स है, जो कि प्रमोटर कंपनी या फर्म का स्टैच्युटरी ऑडिट देगा। बेसिकली ये रियल एस्टेट सेक्टर के लिए अलग से ऑडिट रिपोर्ट है, जो आप लोग जो भी ऑडिट रिपोर्ट देते हैं कारों में या किसी में भी, कैसे भी, उसके अलावा एक सेपरेट ये ऑडिट रिपोर्ट है, जो कि रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट के लिए दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर माना एक प्रमोटर कंपनी है एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड, उसके नीचे दो प्रोजेक्ट हैं एबीसी एक्स वाई जेड, तो आपकी जो ये रेरा की ऑडिट रिपोर्ट है, आपकी जो बैलेंस शीट बनेगी एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड की, वो तो एक ही बैलेंस शीट बनेगी प्रमोटर कंपनी की, लेकिन वो उस बैलेंस शीट के साथ ये दो अलग अलग प्रोजेक्ट की, जो कि आपके रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है, उन दोनों की रिपोर्ट ये जाएगी। और ये आपको रेरा पोर्टल पर एनुअली सबमिट करनी होती है। और इस रिपोर्ट में जो ऑडिटर, स्टेचुरी ऑडिटर होगा प्रमोटर फर्म का या प्रमोटर का, वो कमेंट भी करेगा कि जो जो दूसरा ऑडिटर था जिसने सर्टिफिकेट इश्यू किए थे, सीए सर्टिफिकेट इश्यू किया, उसने ठीक से काम किया कि नहीं। बेसिकली सबसे लास्ट वाले कॉलम में है, फोर्थ नंबर कॉलम में, आई ऑब्लिक बी सर्टिफाइड दैट द नेम ऑफ प्रमोटर हैज यूटिलाइज द अमाउंट कलेक्टेड फॉर सो एंड सो प्रोजेक्ट ओनली फॉर दैट प्रोजेक्ट एंड द विड्रॉल फ्रॉम द डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट ऑफ द सेड प्रोजेक्ट हैज बीन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोपोर्शन टू द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, इफ नॉट प्लीज स्पेसिफाई द अमाउंट विड्रॉन इन एक्सेस ऑफ एलिजिबिलिटी अमाउंट और एनी अदर एक्सेप्शंस। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने ये वाली ऑडिट रिपोर्ट का पॉइंट डिस्कस किया। पीछे कुछ पॉइंट्स एक बार मैं आपको एक डेट शीट दिखा देता हूं। एक ये डेट शीट है आप लोगों के सामने। अगर किसी भी प्रोजेक्ट के लिए एक मॉडल डेट शीट है, ओरिजिनल डेट ऑफ कमिसमेंट ऑफ प्रोजेक्ट 1 अप्रैल 2011 है, 1/4/2011 को एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। ओरिजिनल कंप्लीशन डेट ऑफ द प्रोजेक्ट, उन्होंने जो अपने अलॉटीज को बिल्डर बायर एग्रीमेंट बना के दिए थे, वो 30 जून 2017 दी थी ओरिजिनल डेट, कि साहब हम इस डेट तक अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो ये ओरिजिनल डेट ऑफ कंप्लीशन है आपकी। उसके बाद इन्होंने ओसीसीसी के लिए अप्लाई कर दिया था, लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास, 1 जनवरी 2017 को, यानी कि 6 महीने पहले 30 जून से। जो लास्ट डेट थी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, जैसे फ्रेंड्स मैंने बताया था आपको कि अगर किसी प्रोजेक्ट को ओसीसीसी नहीं मिली है 30 अप्रैल 2017 तक, तो उसको 1 मई को पूरे देश में कानून रेरा का इंप्लीमेंट हो गया था, तो उसको विदिन 3 मंथ्स उस ऑनगोइंग प्रोजेक्ट को रजिस्ट्रेशन कराना था। तो 31 जुलाई 2017 तक उसको रजिस्ट्रेशन कराना था। हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि उसने वो रजिस्ट्रेशन करा लिया था विदिन 3 मंथ्स, ठीक। उसके बाद जब रेरा में उसने रजिस्ट्रेशन कराया 31 जुलाई तक, तब उसने अपने प्रोजेक्ट की रिवाइज डेट दी थी रेरा में 31 दिसंबर 2017। प्रोजेक्ट को ओसीसीसी मिल गया था 30 सितंबर 2017 तक। आपका जो 170-30 का सिस्टम है, 70% वाला जो अकाउंट है, जिसको कि आप रेरा पोर्टल पर भी मेंशन करते हैं, वो अपना अकाउंट आपका 30 सितंबर 2017 को कंप्लीट हो जाएगा। आप रेरा अथॉरिटी में उसको अपलोड करेंगे और जो एस्क्रो बैंकर है उसको भी एक लेटर लिख के देंगे कि साहब मेरा ये ओसीसीसी आ चुका है और मेरा ये अकाउंट का सिस्टम आप पूरा करेंगे, ठीक। आप हैंडओवर करेंगे यूनिट्स का, कॉमन एरिया का। ये बेसिकली रेरा में एक सिस्टम है कि आपको ये रजिस्ट्री करानी है, अलॉटी को पजेशन लेना है विद इन 2 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ओसीसीसी। तो आपने 30 नवंबर 2017 तक ये अपना आपने रजिस्ट्री वगैरह करा दी और आपकी जो वैलिडिटी है रजिस्ट्रेशन की, वो 31 दिसंबर 2017 तक की है।
जो कि आपने रेरा में सेक्शन 42LC में देखे। ये जो नीचे के चार पोर्शन है, मैं इसको इंडिविजुअल सेक्शन में एक बार हम लोग पीछे जो चीजें हम छोड़कर आए उसमें एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कुछ अच्छे सेक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं रेरा में। सबसे पहले हम लोग सेक्शन 14 सबसेक्शन 3 को डिस्कस कर लेते हैं एक बार। सबसेक्शन 3 फ्रेंड्स, अगर माना आपने आपकी रजिस्ट्री हो गई, ठीक, सपोज करिए आपकी रजिस्ट्री आज हो गई 26 अगस्त 2021 को, बिल्डर ने आपको कब्जा दे दिया, पजेशन दे दिया और आपकी रजिस्ट्री कर दी, ठीक। तो आप अब आपका जो डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड है वो आपका 5 ईयर के लिए हो। तो अगर आपका कोई भी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आता है, एनी अदर डिफेक्ट इन वर्कमैनशिप आता है, या इस तरह की कोई भी चीज आती है, तो आप बिल्डर को इंटीमेट करेंगे ये जो डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड है 5 ईयर्स के लिए। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ह्यूज इंप्लीकेशन हुआ है रेरा आने के बाद बिल्डर्स की पॉकेट पर। तो इनको कहीं ना कहीं 5 ईयर के डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के जितनी भी प्रमोटर हैं या प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए भी प्रोविजन अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बनाने पड़ेंगे। और बिल्डर को विद इन 30 डेज आपकी इंटीमेशन में के बाद उसको उस चीज को रिजोल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज आप रेरा अथॉरिटी में उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से यह सेक्शन 14 था कि स्ट्रक्चरल डिफेक्ट या डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड को लेके सेक्शन 14 सबसेक्शन 3। उसी तरीके से रेरा में एक प्रोविजन है सेक्शन 17, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। इसमें रेरा की स्कीम में यह दिया गया है कि अगर आपके पास ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आ जाता है, बेसिकली पीछे हम लोगों ने कुछ डेफिनेशंस छोड़ी थी, अब मैं यहाँ पे मैं बार बार मैं बोल रहा हूँ ओसी और सीसी, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और कंप्लीशन सर्टिफिकेट। इसको जो विकास प्राधिकरण है वो हिंदी में संपूर्ति प्रमाण पत्र और अधिभोग प्रमाण पत्र के नाम से भी लिखते हैं, ठीक। ऑक्यूपेंसी अधिभोग प्रमाण पत्र, कंप्लीशन सर्टिफिकेट संपूर्ति प्रमाण पत्र, ठीक। मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूँ, मैंने पीछे एक एग्जाम्पल लिया था कि अगर मेरा 10,000 स्क्वायर मीटर लैंड पार्सल और मुझे ग्रुप हाउसिंग डेवलप करनी है और मेरे 4 ब्लॉक है या 4 टॉवर्स है, ठीक है, उस वाले सिनेरियो में मैं अगर रेरा में XYZ फेज 1 ए और बी टॉवर का रजिस्ट्रेशन कराता हूँ, ठीक, और उसके 2 साल बाद फिर मैं फेज 2 लॉन्च करता हूँ सी और डी टॉवर का, ये दोनों मेरे अलग अलग प्रोजेक्ट हो गए। जो विकास प्राधिकरण है, डेवलपमेंट अथॉरिटी हमारे एग्जाम्पल में जो कि DDA था, उसको इस फेजिंग से कोई मतलब नहीं है। ये फेजिंग तो बेसिकली रेरा के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कंस्ट्रक्शन के लिए करते हैं, उसका इससे कोई मतलब नहीं है फेजिंग से। तो आप ए और बी टॉवर को कंप्लीट करने के बाद आप DDA के पास गए और DDA को बोला कि आप मुझे ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट दे दीजिए, OC दे दीजिए। OC लेने के लिए बेसिकली आपको आपका जो सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे आपका STP, WTP, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, इस तरीके से जो सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज हैं, वो आपकी रेडी होनी चाहिए इस सभी के लिए, बेसिकली ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के लिए। तो आपको 2 टॉवर का OC मिल जाएगा। आपको जैसे ही 2 टॉवर का OC मिलेगा, उसके विद इन 3 मंथ्स आपको अलॉटीज की या बायर्स की रजिस्ट्री करानी होगी, सेल डीड करानी होगी विद इन 3 मंथ्स। ये बिल्डर के ऊपर ऑब्लिगेशन डाला गया है रेरा की स्कीम में एज पर सेक्शन 70 सबसेक्शन 1। देन जब आप फेज 2 में सी और डी टॉवर को भी कंप्लीट कर लेंगे, तो आप DDA के पास जाएंगे कि साहब मेरा ये पूरा प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हो चुका है और मुझे संपूर्ति प्रमाण पत्र कंप्लीशन सर्टिफिकेट ग्रांट कर दीजिए। तो उस वाले सिनेरियो में जो DDA है वो आपको CC ग्रांट कर देगा। तो इस तरीके से आपका एक पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। CC ग्रांट करने की स्थिति में रेरा की स्कीम में दिया हुआ है बेसिकली कि आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने के 30 दिन के भीतर प्रोजेक्ट हैंडओवर करना पड़ेगा AOA को। अब मैं आपको ये चीज बता देता हूँ कि ये कैसे वर्कआउट करता है। बेसिकली बिल्डर ने प्रोजेक्ट अपना डेवलप कर लिया, कंस्ट्रक्शन कर लिया, OCCC उसको मिल गया, उसके बाद ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद बिल्डर बेसिकली दिस प्रोजेक्ट बिलोंग्स टू दी अलॉटीज, और आप इसको रिफाइन कहिए AOA, एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज,
या उसको जो पॉपुलरली हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बोलते रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन RWA को प्रोजेक्ट उसको हैंडओवर करना पड़ेगा प्रमोटर को बिल्डर को. ठीक, तो सबसे पहले तो बिल्डर को RWA फॉर्म करनी पड़ेगी. बिल्डर को RWA फॉर्म करनी पड़ेगी. ठीक, RWA फॉर्म करने के बाद बिल्डर को ये जो पूरा प्रोजेक्ट होगा सीसी में लेके बाद ये प्रोजेक्ट बिल्डर हैंडओवर करेगा RWA को. ठीक, तो इस तरीके से ये सिस्टम है किसी भी प्रोजेक्ट को हैंडओवर करने का. अब आप समझ सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट है अल्टीमेटली बिलोंग्स टू दी AOA RWA. सबसे पहले उसको AOA और RWA बनानी होगी OCCC मिलने के बाद, और देन आपका उस प्रोजेक्ट को हैंडओवर करना पड़ेगा RWA AOA. तो इस तरीके से ये सिस्टम है, ये सीसी मिलने के विदिन 13 डेज उसको करना पड़ेगा. हाँ, उसमें उन्होंने ये लीवरेज जरूर दिया है कि आप जो भी लोकल लॉ है रेरा आने से पहले हर स्टेट गवर्नमेंट में अपना एक रियल एस्टेट के लिए लोकल लॉ होता है या होता था. ठीक है, जैसे यूपी में यूपी अपार्टमेंट एक्ट है, दिल्ली का अपना है, हरियाणा का अपना है, हर स्टेट का अपना अपना एक्ट है. ठीक है, तो आप अगर माना उस एक्ट में कुछ कहा हुआ है लोकल लॉ में तो आप उसको फॉलो करिए, और अगर उस एक्ट में नहीं कहा हुआ है तो ये जो 30 डेज की लिमिट है या 3 मंथ्स की लिमिट है, 3 मंथ्स की लिमिट रजिस्ट्री कराने के लिए ओसी से और सीसी से 30 डेज की लिमिट है. ठीक है, तो वो आप बेसिकली आपको फॉलो करना. ठीक, तो इस तरीके से ये अपना एक सिस्टम है. एक सेक्शन बहुत ही डिबेटेबल सेक्शन है, बहुत अच्छा सेक्शन है, इंटरेस्टिंग सेक्शन है, रिटर्न ऑफ अमाउंट एंड कंपनसेशन सेक्शन 8. इस सेक्शन के बारे में बेसिकली ये है कि इफ द प्रमोटर फेल्स टू कंप्लीट और इज अनेबल टू गिव पजेशन ऑफ एन अपार्टमेंट प्लॉट और बिल्डिंग इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट फॉर सेल एज द केस मे बी ड्यूली कंप्लीटेड बाय द डेट स्पेसिफाइड देयरिन. इसको सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूं. अगर माना किसी बिल्डर ने बेसिकली रेरा में रजिस्ट्रेशन करा लिया था, ऑलरेडी एग्रीमेंट फॉर सेल बिल्डर बायर एग्रीमेंट किए हुए थे, 31 दिसंबर 2019 जो प्रमोटर है उसने वो डेट दी हुई थी अलॉटी को कि साहब मैं आपको 31 दिसंबर 2019 तक कब्जा दे दूंगा और आपकी रजिस्ट्री करा दूंगा, लेकिन वो डेट निकल गई और 31 दिसंबर 2019 तक बिल्डर ने वो कब्जा नहीं दिया. ठीक है, तो अब अलॉटी के पास दो रेमेडी है. फर्स्ट रेमेडी, एज पर कोडिफाइड लॉ एज पर सेक्शन 18 ऑफ द रेरा एक्ट, कि वो रेरा अथॉरिटी में कंप्लेंट करे, यूपी रेरा में, दिल्ली रेरा में, हरियाणा रेरा में, कि साहब आप मुझे आप क्योंकि बिल्डर ने अपना कमिटमेंट पूरा नहीं किया तो मैं इस प्रोजेक्ट से विड्रॉ करना चाहता हूं. ठीक है, और आप मुझे रिफंड दीजिए और कंपनसेशन और इंटरेस्ट दीजिए. ठीक, तो इस वाले सिनेरियो में जो अथॉरिटी है वो बायर को अलॉटी को रिफंड अवॉइड कर देगी, रिफंड का ऑर्डर देगी और एट द रेट ऑफ MCLR प्लस 1, उस रेट से आपका SBI का MCLR प्लस 1, ठीक है, मार्कअप 1, उससे वो उसको कंपनसेशन और इंटरेस्ट अवॉइड कर देगी. अब अलॉटी ये कहता है साहब नहीं, मुझे इस प्रोजेक्ट में रहना ही है, मुझे इस प्रोजेक्ट से बाहर नहीं निकलना, मुझे रिफंड नहीं चाहिए, मुझे तो पजेशन चाहिए. तो उस वाले सिनेरियो में जो अथॉरिटी है रेरा अथॉरिटी वो MCLR प्लस 1 पे उसको कंपनसेशन अवार्ड कर. इस तरीके से ये सिस्टम है. ठीक, लेकिन इसको लेके अभी काफी कुछ प्रैक्टिसेस भी चल रही हैं. इसमें प्रैक्टिस नंबर 1, फर्स्ट कि साहब कुछ जैसे ऑन द बेसिस ऑफ केस ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस अगर माना प्रोजेक्ट सब्सटेंशन पूरा हो चुका है और आपको प्रोजेक्ट में नहीं रहना, आपकी डेट निकल चुकी है, एज पर कोडिफाइड लॉ तो आप उससे रिफंड ले सकते हैं, लेकिन बेसिकली अथॉरिटीज यूजुअली रिफंड नहीं देती है. उनका कहना ये होता है कि हम लोग यह रिफंड के लिए नहीं बैठे हुए, बेसिकली हमें ये है कि लोगों को पजेशन मिले, अलॉटी को कब्जा मिले, वो हमारा मेन टारगेट है. तो उस वाले सिनेरियो में वो बहुत काफी केसेस में रिफंड अवार्ड नहीं भी करते हैं, वो बिल्डर से एक एफिडेविट वगैरह ले लेते हैं कि साहब आप इस डेट तक प्रोजेक्ट को पूरा कर देंगे. हाँ, उस वाले सिनेरियो में MCLR प्लस 1 का इंटरेस्ट जरूर वो अवार्ड करते हैं.
सकते हैं। इस तरीके से पहली प्रैक्टिस ये चल रही है, ठीक है। दूसरी प्रैक्टिस ये चल रही है कि आपका अगर माना किसी केस में ऑर्डर पास हो जाता है, ठीक, ऑर्डर पास होने के बाद आपका अगर 45 डेज में आप बिल्डर ऑर्डर का एग्जीक्यूशन नहीं करता, अगर माना वो रिफंड का ऑर्डर पास हुआ है और MCLR प्लस वन से हुआ है और बिल्डर रिफंड वापस नहीं देता, मतलब रिफंड नहीं करता अमाउंट को 45 डेज में विद इंटरेस्ट या कंपनसेशन, तो उसके ऊपर लैंड एरियर के रेवेन्यू के तरीके से जो DM के पास ऑफिस है वहां पे रेरा अथॉरिटी एक वो जारी कर देगी ऑर्डर या डायरेक्शन जारी कर देगी कि आप इसका रिकवरी सर्टिफिकेट, जिसको कि हिंदी में वसूली प्रमाण पत्र भी बोलते हैं, तो वो आपका इश्यू कर देगा DM के ऑफिस से और DM का ऑफिस उसका एग्जीक्यूशन करेगा आपसे फंड्स लेके या आपकी प्रॉपर्टी अटैच करके। इस तरीके से RC कभी भी रुकती नहीं है, रिकवरी सर्टिफिकेट रुकता नहीं है, ये आप मान के चलिए। तो इस तरीके से ये एक सिस्टम मार्केट में एक प्रैक्टिस चल रही है जो मैंने अभी आपको बताया था कि कहीं ना कहीं अगर माना प्रोजेक्ट एक काफी स्टेज तक पूरा हो चुका है लेकिन फिर भी उसमें डेट निकल गई है और अगर माना डेट निकलने के बाद अलॉटी रिफंड मांगता है प्रमोटर से, तो उस वाले केस में प्रमोटर रिफंड का अमाउंट लाएगा भी कहां से, क्योंकि प्रमोटर का या प्रोजेक्ट का भी यही कहना होता है कि साहब मैंने तो जो पूरा पेमेंट है वो अपना प्रोजेक्ट में लगा दिया, अब मेरे पास देने के लिए तो पैसा है नहीं, ये है। और अगर मैं फंड्स इस तरीके से देने लगा या मैं रिफंड बांटने लगा तो इट विल बी जियोपार्डाइज टू द इंटरेस्ट ऑफ अदर अलॉटीज, तो ये भी एक अपने आप में प्रॉब्लम है कि जो प्रोजेक्ट में मेरे रिमेनिंग डेवलपमेंट के वर्क रह गए हैं वो मेरे पूरे नहीं हो पाएंगे। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं तो अथॉरिटी कोशिश करती है कि अगर प्रोजेक्ट में काफी काम पूरा हो चुका है तो रिफंड ऑर्डर अवार्ड ना हो, ठीक है। इस तरीके की आपने काफी चीजें सुनी होगी पीछे की नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गौतम बुद्ध नगर में आम्रपाली का, JP का और जो यूनिटेक के केसेस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो भी इन सब चीजों को लेकर चल रहे हैं कि कैसे कैसे प्रोजेक्ट में बिल्डर्स ने, प्रमोटर्स ने काफी पैसा ले लिया लेकिन काम कुछ भी नहीं हुआ, हुआ भी तो वो थोड़ा बहुत हुआ, ठीक है। तो वहां पे काफी केसेस और वहां पे काफी फ्लैट्स की अभी पजेशन मिलना बाकी है उस वाले सिनेरियो, ठीक। तो इस तरीके से आपका एक मैंने पूरी आपको ये रिटर्न ऑफ अमाउंट और कंपनसेशन की स्कीम आपको रेरा में अभी मैंने हम लोगों ने एक बार डिस्कस की, ठीक है। अगर मैं मोटा मोटा अगर मैं कुछ बोलूं जैसे कि कैसे हम लोग रेरा से कोप अप करें कि बेसिकली रेरा में जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक बार हम लोग थोड़ा सा पीछे की तरफ चलते हैं, एक बार डेफिनेशंस को डिस्कस कर लेते हैं जो डेफिनेशंस हम लोग पीछे छोड़ के आए, इंटरेस्टिंग डेफिनेशंस है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर ही लिया। एक बार कार्पेट एरिया की बात कर लेते हैं, इसको जल्दी से 5-7-10 मिनट में कंक्लूड करते हैं, मैं अभी इसको 5-7-10 मिनट्स में अभी कंक्लूड करता हूं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर सेशन का शुरू कर लेंगे अप्रोक्सीमेट 10-15 मिनट्स। सो बेसिकली कार्पेट एरिया, ठीक है, कार्पेट एरिया की डेफिनेशन में एक बार रीड आउट कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग इसको जो अभी मैंने जो स्क्रीन दिखाई थी वो उससे हम लोग समझेंगे अभी लेआउट प्लान से। Means the net usable floor area of an apartment, excluding the area covered by the external walls, area under service shaft, exclusive balcony or veranda area, and exclusive open terrace area, but includes the area covered by the internal partition walls of the apartment. इसको इन ये जो layouts हैं इनकी मदद से हम लोग समझते हैं। Basically external wall, ठीक? ये जो legend से आप देख पा रहे होंगे external wall का legend है। ठीक, आपके सामने स्क्रीन पर है ये। तो कार्पेट एरिया की डेफिनेशन में ये शामिल नहीं है, मतलब एक्सटर्नल वॉल कार्पेट एरिया में नहीं आएगी। आपको फ्रेंड्स लग रहा होगा कि कार्पेट एरिया क्यों इंपॉर्टेंट है, बेसिकली आपने सुना होगा कि पीछे जो बिल्डर अपना माल बेचते थे, अपार्टमेंट बेचा करते थे, वो बेसिकली टोटल एरिया, सुपर एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया, बिल्टअप एरिया, इस तरह के टर्म्स में बेचा करते थे, किसी की कुछ भी समझ में नहीं आता था। एक यूनिफॉर्मिटी
और स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए गवर्नमेंट ने रेरा एक्ट में कार्पेट एरिया डाला कि साहब अब जो कुछ भी होगा कार्पेट एरिया ही होगा, और अब आप कार्पेट एरिया पे ही अपना माल बेच सकते हैं, आप किसी और एरिया पे माल अपना नहीं बेच सकते, अब जो कुछ भी है कार्पेट एरिया है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक, सपोज करिए कि पहले हम जो बिफोर रेरा हम लोग जो लिया करते थे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा किसी फ्लैट का एरिया था 1000 स्क्वायर फीट और उसका रेट था 3000 रुपए स्क्वायर फीट, तो हमारी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू हुई वो 30 लाख रुपए हो गए दैट वे। ठीक, इस वाले सिनेरियो में अब रेरा आ गया, रेरा आने के बाद उसका जो कार्पेट एरिया है, बेसिकली किसी भी फ्लैट का जो टोटल एरिया होता है उसका कार्पेट एरिया करीब करीब 30-35% होता है उसका, उसमें लोडिंग होती है। मेरे वाले एग्जांपल में जो ये एक स्टैंडर्ड एग्जांपल है कि 1000 स्क्वायर फीट मेरा टोटल एरिया है और आप मान के चलिए 650 स्क्वायर फीट, 650 स्क्वायर फीट मेरा कार्पेट एरिया होगा, मैं इसको सिंप्लीफिकेशन के लिए मानता हूं कि 600 स्क्वायर फीट। ठीक, अब मेरी जो टोटल डील वैल्यू है वो 30 लाख रुपए की थी मेरे वाले एग्जांपल में, तो मैं 30 लाख डिवाइडेड बाई 600 स्क्वायर फीट करूंगा तो मेरा रेट 4-4.5 हजार रुपए स्क्वायर फीट पहुंच जाएगा, जो कि आज के मार्केट में फिजिबल नहीं है। और अगर आप अपने बायर को बताओगे, मैं अभी प्रमोटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, तो बायर को लगेगा तो बहुत महंगा बेचना है प्रमोटर, वो किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे चला जाएगा। तो इस वाले सिनेरियो में जो बिल्डर्स की प्रैक्टिस है वो इसी तरीके की है साहब, कि पहले अलॉटी के साथ उन्होंने डील कर ली कि साहब 30 लाख रुपए में 1000 स्क्वायर फीट है, ठीक 3000 रुपए स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी है, और जब वो अपने, मैंने जो आपको पेपर बताए थे एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रजिस्ट्रेशन अलॉटमेंट लेटर एग्रीमेंट फॉर सेल या बिल्डर बायर एग्रीमेंट, तो उसमें वो ये लिख के देंगे, क्योंकि उसमें वो ये बताएंगे कि 30 लाख रुपए में आपका 600 स्क्वायर फीट का कार्पेट एरिया, इतने रुपए में इतना कार्पेट एरिया, तो वहां पे वो कार्पेट एरिया भी मेंशन करेंगे और वहां पे वो टोटल एरिया भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे वाले इसमें 600 स्क्वायर फीट तो कार्पेट एरिया है और 1000 स्क्वायर फीट टोटल एरिया है, आप चाहे तो उसमें बालकनी एरिया भी लिख सकते हैं क्योंकि कार्पेट एरिया में बालकनी का एरिया शामिल नहीं होता। ठीक, तो इस तरीके से ये इंटरनल वॉल्स है, इंटरनल वॉल कार्पेट एरिया की डेफिनेशन में शामिल है। ये स्लाइड हम लोगों ने अपना आपकी टीम के साथ, संदीप जी की टीम के साथ शेयर कर दिए हम लोगों ने स्लाइड, ये है, आप चाहें तो वहां से ले सकते हैं। कार्पेट एरिया अंडर रेरा, बेसिकली ये आप देख रहे होंगे जो ब्लैक लाइनिंग है पूरी, जो ब्लैक डॉटेड लाइनिंग है ये पूरी, तो ये रेरा का कार्पेट एरिया है। रेरा के अंडर में आप देख पा रहे होंगे कि बालकनी भी इसके बाहर है। ठीक, तो इस तरीके से ये रेरा में कार्पेट एरिया की एक स्कीम है। ठीक, मैंने कार्पेट एरिया को आपको एक एग्जांपल से भी समझा दिया। एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं, कॉमन एरिया। बेसिकली कॉमन एरिया ये है कि आपका जो भी आप चीजें देखते हैं, अगर माना कोई भी प्रोजेक्ट आप देखते हैं तो उसमें आपका लिफ्ट हो गया, स्टेयर केसेस हो गए, फायर एस्केप हो गए, टेरेसेस हो गए, बेसमेंट, पार्क, प्लेग्राउंड, तो इस तरीके से है। कॉमन एरिया को लेकर एक कॉन्ट्रोवर्सी बड़ी क्रिएट हुई है रेरा आने के बाद, वो मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, ये बेसिकली जो कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हुई है वो पार्किंग को लेकर, इन्होंने ये किया है। आप कॉमन एरिया की डेफिनेशन में थर्ड नंबर का पॉइंट देखिए, द कॉमन बेसमेंट्स, टेरेसेस, पार्क्स, प्ले एरियाज, ओपन पार्किंग एरियाज एंड कॉमन स्टोरेज स्पेसेस। तो यहाँ पे जो ओपन पार्किंग एरियाज आप देख पा रहे हैं, तो अब ये मान के चलिए कि जो ओपन पार्किंग है वो अब कॉमन एरिया का हिस्सा है, आप उसको बेच नहीं सकते प्रमोटर, अब वो बेसिकली डिमार्केट नहीं कर सकते उसको। मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं। सपोज करिए कि एक किसी भी सोसाइटी में ओपन पार्किंग एरिया है, ठीक है, तो क्या अब बिल्डर ओपन पार्किंग को फ्री में बेच सकता है क्या? द आंसर इज नो, फ्री में भी नहीं बेच सकता। ठीक, अगर कॉम्प्लीमेंट्री या किसी भी नाम से भी नहीं बेच सकता। ओपन पार्किंग को डिमार्केट नहीं कर सकता ओपन पार्किंग को, कि साहब ये फ्लैट नंबर है इनकी, ये ओपन पार्किंग है, उसको डिमार्केटेड नहीं कर सकता। ठीक है, इसमें एक चीज जानना भी बेहद जरूरी है कि रेरा आने से पहले अगर कोई ओपन पार्किंग अलोकेट हो गई है और रेरा रजिस्ट्रेशन
हुआ एज ए ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, तो उस वाली स्थिति में वो जो ऑलरेडी जितने भी एग्रीमेंट फॉर सेल या बिल्डर बायर एग्रीमेंट बीबीए हो चुके हैं उसमें अगर हमने ओपन पार्किंग अलोकेट कर दी है तो वो एज इट इज रहेगी, उसको आप अलॉट कर सकते हो, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। बेसिकली जो लॉ मेकर का इंटेंशन था वो यही था कि जो एग्रीमेंट ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुके हैं उनमें कोई भी किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो। अब सब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ओपन पार्किंग के अलावा ऐसी कौन कौन सी पार्किंग है कि जो अब बेसिकली जो प्रमोटर है या जो प्रोजेक्ट है वो अलॉटी को अलॉट करेगा, तो वो इस तरह की जो पार्किंग होती है आपने देखा होगा बेसमेंट की पार्किंग, कवर्ड पार्किंग हो गई, स्टिल्ड पार्किंग हो गई, तो इस तरह की जितनी भी पार्किंग्स है वो बिल्डर अलॉट कर सकता है अलॉटी। तो ये एक अपने आप में बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी ओपन पार्किंग को लेकर, धीरे धीरे सारी चीजें अब सेटल हो रही है। इंटरेस्ट को लेकर भी यही है कि जितना इंटरेस्ट प्रमोटर, मतलब जितना इंटरेस्ट प्रमोटर अलॉटी से चार्ज करेगा उतना ही अलॉटी को उसको देना भी पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर वो 9% अलॉटी से चार्ज करता है तो अलॉटी को उतना इंटरेस्ट देना भी पड़ेगा इन द केस ऑफ डिफॉल्ट। ठीक है, जितना लेगा उतना ही देगा, इसी तरीके से ये प्रमोटर की डेफिनेशन है। ठीक है, एक रेरा में मॉडल और भी है, बस मैं इस, ये मेरा कंक्लूडिंग रिमार्क है अभी ये वाला पॉइंट, उसके बाद हम लोग फिर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन पे आ जाएंगे। ठीक है, बेसिकली रेरा में एक इसमें सिस्टम है कि अगर माना कोई, आपने देखा होगा पीछे काफी सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि जहां पे जॉइंट डेवलपमेंट होता है। ठीक, जॉइंट डेवलपमेंट वाले सिनेरियो में मैं वो आपको 5 मिनट्स लगा के डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, माना दो प्रमोटर है ए एंड बी, ए के पास 10,000 square meter का लैंड पार्सल है लेकिन उसके पास कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट करने की एक्सपर्टीज नहीं। ठीक, वो बी को बुलाता है, माना सपोज करिए वो मुझे बुलाता है कि गौरव अग्रवाल जी आप आ जाइए और हमारे साथ कोलैबोरेशन कर लीजिए। ठीक है, तो इस और मेरे पास कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट करने की टीम भी है और मेरे पास एक्सपर्टीज भी है, तो उस वाले सिनेरियो में हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन होगा। वो जो ए पार्टी है वो लैंड ओनर प्रमोटर कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि लैंड उनके पास है, और जो बी है यानी कि जो मैं गौरव अग्रवाल वो डेवलपर प्रमोटर कहलाएगा। ठीक है, तो अब इस वाले सिनेरियो में रेरा में जो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा वो मैं करूंगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट की सारी एक्टिविटीज मुझे ही करनी है, मुझे ही अंजाम देनी है। ठीक है, लेकिन मैं लैंड ओनर प्रमोटर जो पार्टी ए है उसको भी मैं एक तरीके से अटैच करूंगा रेरा पोर्टल पर। ठीक है, मतलब मैं उनका भी नाम अपने रिकॉर्ड्स में दूंगा, जो एप्लीकेशन होगी रजिस्ट्रेशन की मैं उनका नाम भी दूंगा ए पार्टी। ठीक, दूसरा इसमें सिनेरियो अगर हम लोग देखें, जो 170-30 के बैंक अकाउंट होंगे वो मेरे नाम से खुलेंगे, बी पार्टी यानी कि डेवलपर प्रमोटर के नाम से खुलेंगे। ठीक, उसके बाद मेरे और ए और बी के बीच में जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है वो चाहे जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट है, डेवलपमेंट एग्रीमेंट है, कंसोर्शियम एग्रीमेंट है, कंसोर्शियम एमओयू है, वाई व्हाटएवर नेम कॉल्ड, वो जो भी कुछ होगा वो हम लोग रेरा पोर्टल पे हमारे बीच की अंडरस्टैंडिंग को अपलोड करेंगे। ठीक है, और उसके और अब बेसिकली मेरी जो बुक्स होंगी यानी कि जो डेवलपर प्रमोटर की बुक्स में कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कॉस्ट आ जाएगी लेकिन लैंड कॉस्ट नहीं आएगी। लैंड कॉस्ट के लिए जो मेरे मतलब ए और बी के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें जो बी पार्टी ए पार्टी को पेमेंट करेगी किसी भी तौर पे बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, वो बी के लिए एक तरीके से लैंड कॉस्ट होगी। तो जो आर्किटेक्ट इंजीनियर और सीए के सर्टिफिकेट इश्यू होंगे वो डेवलपर प्रमोटर के लिए ही इश्यू होंगे। तो इस तरीके से मैंने एक रेरा का आपको मॉडल भी बताया, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट वाला, ये काफी पॉपुलर मॉडल है, काफी कुछ चलता है। ठीक है, और अपने आप में वैलिड मॉडल भी है ये है, लेकिन इसको एक कानूनी मतलब कानूनी पहचान देना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मैंने अपनी तरफ से काफी चीजों को कंक्लूड किया है, हालांकि ये टॉपिक बहुत लंबा है, इंटरेस्टिंग है, मुझे पता है मैंने बीच में स्लाइड में काफी कुछ चीजों को छोड़ा भी है, बट कहीं ना कहीं टाइम के कंस्ट्रेंट को देखते हुए ये जरूरी भी था कि हम लोग रेरा की पूरी ओवरऑल स्कीम को एक बार डिस्कस कर लें। अब आप ओवर टू यू संदीप जी, कि आपकी जो भी हाउस की क्वेरीज हैं
वो हाउस की क्वेरीज को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। नमस्ते गौरव जी, कुछ क्वेश्चंस आ रखे हैं क्यू एंड ए सेक्शन में, अगर आप रीड आउट करें। सुशील मित्तल जी ने क्वेश्चन रेज कर रखा है, आई थिंक आई रिक्वेस्ट कि अगर आप उसको एक बार रीड आउट करके रिजॉल्व करें। ये सुशील मित्तल जी ने दिया है, एज लाइसेंस इज गिवन आफ्टर लैंड परचेज एंड ऑल अप्रूवल, वेदर एस्क्रो अकाउंट ऑफ 70% कैन बी यूज्ड टू पे प्रमोटर टू द एक्सटेंट ऑफ फुल लैंड वैल्यू ऑलरेडी स्पेंट। बेसिकली जो सुशील मित्तल जी के क्वेश्चन से मैं ये समझा हूं वो ये है कि हाँ बिल्कुल, बेसिकली इनका क्वेश्चन ये है संदीप जी कि आपने लैंड परचेज की, सारे अप्रूवल्स वगैरह लिए और लाइसेंस लिया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी से प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, तो जो हमारा 70% वाला अकाउंट है, ठीक है, वो हमारा लैंड वैल्यू को कैसे हम करेंगे। मैं चलिए इसको एक बार डिस्कस ही कर लेता हूँ डिटेल में कि बेसिकली जो हमारी कंट्री में जो लैंड वैल्यू है बेसिकली वो दो तरीके से होती है, फ्री होल्ड लैंड और लीज होल्ड लैंड। ठीक है, फ्री होल्ड लैंड वाले केस में तो आप कोई भी प्रोजेक्ट जब करते हैं, जब आप पूरी लैंड की रजिस्ट्री कर लेते हैं और जब जो भी सेलर है उससे आप रजिस्ट्री करने के बाद, मतलब रजिस्ट्री करते वक्त उसको पूरी लैंड का पेमेंट कर देते हैं, तो एक तरीके से वो आपकी मार्जिन मनी के तौर पर होती है वो लैंड वैल्यू, और वो आपकी उतनी ही विड्रॉल की एलिजिबिलिटी को भी बनाएगी। ठीक है, यस 70% वाले अकाउंट से आप पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन फ्री होल्ड लैंड का तो आप ऑलरेडी पेमेंट कर चुके होते हैं तो इस वाले सिनेरियो में उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर माना वो लीज होल्ड लैंड है तो लीज होल्ड लैंड वाले सिनेरियो में अगर माना सपोज करिए नोएडा ग्रेटर नोएडा यमुना का कोई प्रोजेक्ट है या दिल्ली में भी कुछ जगह पे लीज होल्ड लैंड है अगर वहां का प्रोजेक्ट है तो लीज की जो यस 70% वाला जो अकाउंट है आप उससे लैंड वैल्यू का पेमेंट कर सकते हैं। द आंसर इज यस। क्वेश्चन है वेदर परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन इज ट्रीटेड सिग्निशन बाय रेरा फॉर डिसाइडिंग ऑन रिफंड। वो लैंड कॉस्ट, आप उस अमाउंट से लैंड कॉस्ट का पेमेंट कर सकते हैं, तो अगर मैं इसको एफएक्यू की टर्म में देखूं द आंसर इज यस। मैंने उसके लिए बताया था हाउस को कि हमारे इंडिया में दो तरह से लैंड होती है, लीज होल्ड लैंड फ्री होल्ड लैंड। ठीक, अगर माना वो फ्री होल्ड लैंड है तो सबसे पहले जो प्रमोटर कंपनी है या जो प्रमोटर है वो पहले लैंड परचेज करेगा, लैंड का पूरा पेमेंट करेगा सेलर को, उसके बाद रजिस्ट्री कराएगा। ठीक है, देन फिर लाइसेंस वगैरह का अप्रूवल लेगा, रजिस्ट्रेशन कराएगा और प्रोजेक्ट को लॉन्च करेगा रेरा अथॉरिटी में। ठीक, तो एक तरीके से वो जो अमाउंट उसने पे किया है सेलर को और जो रजिस्ट्री कराई है वो पूरा का पूरा मार्जिन मनी हुआ, और वो पूरा जो मार्जिन मनी है वो उसकी टोटल विड्रॉल की एलिजिबिलिटी हो जाएगी संदीप जी। ठीक, अगर तो माना वो लीज होल्ड लैंड है तो लीज होल्ड लैंड में नोएडा ग्रेटर नोएडा यमुना में वहां पे एक लैंड रीपेमेंट का शेड्यूल बनता है, किसी अगर आपने वो लैंड रीपेमेंट का शेड्यूल देखा हो, दिल्ली के भी कुछ हिस्सों में इस तरीके की पॉलिसी है लीज होल्ड के लिए, तो अगर माना वो 5 साल का या 10 साल का रीपेमेंट शेड्यूल है, द आंसर इज यस। जो 70% वाली अमाउंट है या जो 70% वाला अकाउंट है आप उससे वो जो लीज होल्ड वाली अमाउंट है आप उसका पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है इनका, व्हाट परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन इज ट्रीटेड सिग्निफिकेंट कंप्लीशन बाय एरिया
for deciding on refund? What percentage of completion is treated significant completion by RERA for deciding on refund? मैं इनका पॉइंट समझ गया. बेसिकली सेक्शन 18 की तरफ इनका इशारा है कि रिफंड के अगर माना कोई केसेस हैं तो रेरा अथॉरिटी रिफंड ग्रांट करेगी या नहीं करेगी, ये कितने परसेंटेज पर ट्रीट होता है, किस आप प्रोजेक्ट कितना परसेंटेज कंप्लीट हो जाए. ठीक है, यूजुअली मित्तल जी जो माना जाता है वो ये माना जाता है कि अप्रोक्सीमेट 60-70 तक आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए. ठीक है, इस चीज को डिसाइड करने के लिए रेरा यूजुअली साइट विजिट भी करवाता है और प्रोजेक्ट का साइट इंस्पेक्शन भी करवाता है कि साइट पे सब कुछ ठीक है कि नहीं है अपनी टेक्निकल टीम के जरिए ड्यूरिंग द कोर्स पेंडेंसी ऑफ ये अगर माना कंप्लेंट. ठीक, अगर उनको लगता है कि सब कुछ ठीक है और विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड आपका काम पूरा हो जाएगा तो यूजुअली वो अपना रिफंड अवॉइड नहीं करते. और अगर उनको लगता है कि कहीं कोई दिक्कत है, प्रमोटर नॉन सीरियस है, तो वो रिफंड इसमें भी अवॉइड करते हैं. ये बेसिकली ऑन द फैक्ट्स एंड मेरिट्स ऑफ ईच केस है. ठीक है, तो इस तरीके से ये एक अपने आप में सिस्टम है. ठीक, एक ये चैट में भी कुछ क्वेश्चंस थे, मित्तल जी का एक क्वेश्चन और आया है पीछे में, जरा चैट में भी कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ. एक ये नुपुर अग्रवाल जी ने शेयर किया है कि पीपीटी शेयर करने के लिए, तो वो काइंडली संदीप जी एक बार आप अपनी टीम को बोल दीजिएगा पीपीटी शेयर करने के लिए. हाँ जी, जी मैं हाँ. एक चुन्नी लाल गोलछा जी ने क्वेश्चन लिखा है कि पजेशन डेट जून 16 इंक्लूडिंग एक्सटेंडेड पीरियड्स 95% पेमेंट एज पर पेमेंट प्लान वॉज बिफोर जून 26, टोटल अमाउंट पेबल एज पर एग्रीमेंट वॉज 30 लाख इन अगस्त 18 additional 5 lakh I was demanded by builder and the same was advanced AMC 35k was also paid. Possession was assured in October 18. I am yet to get the possession. What are my rights and obligations of the builders? देखिए गोलछा जी, ऐसा है कि आपका जो केस है और थोड़े से फैक्ट्स और होते तो और बताया जा सकता था, हालांकि आपका जो केस है वो ऑलमोस्ट औरों और अभी तक आपको पोजीशन नहीं मिला है. अगस्त हमारा कंप्लीट हो चुका है, अगस्त 2020 में हम लोग बैठे हुए हैं, तो इट्स ऑलमोस्ट 2 इयर्स. ठीक, तो आपके वाले सिनेरियो में मेरा कहना आपको यही है कि आपका जहां कहीं भी प्रोजेक्ट है उस रेरा अथॉरिटी में आप अपनी कंप्लेंट दाखिल कीजिए. ठीक है, अपने सारे फैक्ट्स वगैरह को लगाइए, अपने केस को खुद ही फाइल करिए, खुद ही उसमें आर्ग्यूमेंट वगैरह करिए और अथॉरिटी को बताइए कि ये सारी चीजें हैं. क्योंकि रेरा अथॉरिटी में एक बड़ा बेनिफिट ये है कि बहुत ज्यादा चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप अपने केस को डिसाइड कर सकते हैं, चाहे तो आप किसी प्रोफेशनल की मदद भी ले सकते हैं इसमें. ठीक है, इस वाले सिनेरियो में आप कंप्लेंट फाइल करिए, आप बताइए उनको कि ऐसे ऐसे इतना इतना 95% पेमेंट हो चुका है, साइट के जो फोटोग्राफ्स वगैरह होंगे वो फोटोग्राफ्स भी आप वहां पे उनके सामने प्रेजेंट करिए, फोटोग्राफ्स वीडियोस के साथ आप साइट पे देखिए कुछ भी काम नहीं हुआ है. और आप बेसिकली या जैसा भी आप चाहते हैं, अगर आप पजेशन तो अकॉर्डिंगली आप ऑब्वियसली मिलेगा. और अगर आप पजेशन चाहते हैं तब भी आपको MCLR प्लस 1 से इंटरेस्ट मिलेगा. बीच वो मुझे पता नहीं चल पा रहे हैं, शायद कुछ ये है. भानुशाली जी ने एक में मित्तल जी का क्वेश्चन अभी लेता हूँ. अजय भानुशाली जी ने लिखा है कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट शैल बी गवर्न्ड बाय रेरा प्रोविजंस वेदर द न्यू बायर विल गेट बेसिकली
रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द रियल एस्टेट सेक्टर, ठीक है, कहीं ना कहीं उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि बिल्डर जो कह रहा है वो दे रेरा की स्कीम, ठीक है। तो इनका जो क्वेश्चन है वो ये है कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने के बाद क्या जो भी कलेक्शन है वो रेरा प्रोविजन से गवर्न होगा? बिल्कुल, द आंसर इज यस। कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने के बाद भी वो रेरा प्रोविजन से ही गवर्न होगा क्योंकि वो रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है। हाँ, ये बात एक जरूर है कि वो प्रोजेक्ट सीसी आने के बाद, और उसके अलावा भी अजय जी काफी सारी और कंप्लायंस होती है उसमें माइक्रो लेवल पर, उन सारी कंप्लायंसेस को करने के बाद आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट जरूर माना जाता है, लेकिन वो रेरा प्रोविजन से गवर्न जरूर होता है। और अगर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एट एनी पॉइंट ऑफ स्टेज, ओसीसीसी आने के बाद और उसके सबमिट होने के बाद भी आप रेरा अथॉरिटी को अप्रोच कर सकते हैं, आप मतलब रेरा अथॉरिटी आपसे दूर नहीं है, ठीक है। तो ये एक बेसिकली मैंने आपको आंसर दिया आपके फर्स्ट क्वेश्चन का, वेदर द न्यू बायर्स विल गेट बेनिफिट ऑफ रेरा। न्यू बायर्स मैं नहीं समझ पा रहा हूँ यहाँ पे किस कॉन्टेक्स्ट में लिखना चाह रहे हैं, बट ऑल्दो मैं आंसर एक दे देता हूँ कि न्यू बायर्स भी मतलब आप मानिए कि यहाँ पे हर तरह का बायर बेनिफिट है। अगर माना कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है उसका कोई पुराना बायर है उसको भी बेनिफिट मिलेगा रेरा का, नए बायर को भी बेनिफिट मिलेगा, हर तरीके के बायर। और शायद आप अजय जी इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं कि सीसी मिलने के बाद अगर कोई बायर आता है रेरा में, मतलब प्रोजेक्ट में आता है, तो क्या उसको बेनिफिट मिलेगा? द आंसर इज यस, बिल्कुल 100% उसको बेनिफिट मिलेगा, ठीक। एक बार मैं मित्तल जी का क्वेश्चन और ले लेता हूँ, एग्जाम्पल फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। लैंड परचेज प्राइस 10 करोड़ स्पेंड बाय प्रमोटर, सेल्स अमाउंट इंस्टॉलमेंट रिसीव रुपीज 15 करोड़, प्रमोटर कैन विड्रॉ 10 करोड़, प्रमोटर कैन विड्रॉ 10 करोड़ विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी ऑन कंस्ट्रक्शन एज 10 करोड़ लेस देन 70%, ठीक है। बेसिकली संदीप जी इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है वो ये है कि आपका 10 करोड़ रुपए प्रमोटर ने बिल्कुल लैंड की प्राइस के लिए पे किए, ठीक है, और आपका 15 करोड़ रुपए का कलेक्शन आया, ठीक है। 15 करोड़ का जो कलेक्शन आया वो 100% कलेक्शन था, 15 करोड़ का 70% 10.5 करोड़ रुपए हुआ, ठीक है। तो बेसिकली 10.5 करोड़ रुपए की एवज में, मतलब 10.5 करोड़ रुपए कलेक्शन आया उसके एवज में उन्होंने 10 करोड़ रुपए का काम किया पूरे प्रोजेक्ट में, ठीक है। 15 आप ऊपर जो उसमें दिखाएंगे 15 करोड़ रुपए, 15 करोड़ के बाद 70% कलेक्शन आया, ठीक है। तो आपने 10 करोड़ रुपए का काम किया, ठीक। तो आप बिल्कुल इसमें ये जो आपके जो 10.5 करोड़ रुपए हैं आप ये विड्रॉ कर सकते, बेसिकली आप इसको इस तरीके से कहिए कि आप इसमें से 10 करोड़ रुपए विड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि 30% तो आपका पोर्शन है ही 4.5 करोड़ रुपए, और 50 लाख रुपए आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे 10.5 करोड़ में से, आप 10 करोड़ रुपए तक टोटल विड्रॉ कर सकते हैं इस वाले आपका जो आपने गिवन सिचुएशन दी है। तो द आंसर इज यस, आपका ये था कि प्रमोटर कैन विड्रॉ फुल 10 करोड़ विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी ऑन कंस्ट्रक्शन एज 10 करोड़ लेस देन 70%, आपका कहना ठीक है मित्तल जी, बट बात यह है कि अगर आप पूरा पैसा विड्रॉ कर भी लेंगे तो आप ये मान के चलिए कि आप प्रोजेक्ट में कैसे पूरा पैसा लगाएंगे, आप कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट तो आपका ही है और आप अभी पैसा विड्रॉ कर लेंगे तो उसके बाद में पैसा भी कहां से लाएंगे। तो ये आपका कहना ठीक है कि आप कानून के हिसाब से तो इसको विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रोजेक्ट को पूरा बना के भी देना है, आपको QPR भी सबमिट करने हैं, तब आपकी उसमें पोजिशन कैसे निकल के आएगी वो भी आपका एक सिनेरियो होगा, तो वो ध्यान में रखना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रमोटर इस बात की भी अंडरटेकिंग लेता है कि उसको प्रोजेक्ट को पूरा करके देना है। और जो ये 15 करोड़ रुपए का कलेक्शन जिन अलॉटीज ने दिया है वो कल को इस कलेक्शन को रोक भी सकते हैं, अगर माना उनको प्रोजेक्ट में विड्रॉ एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगी तो वो अपना रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये एक सिनेरियो है अपने आप में, ठीक है। उसके अलावा संदीप जी और कोई क्वेरीज तो अभी नहीं है, बीच में संदीप जी कुछ हैंड्स रेज काफी हो रहे थे तो अभी तो मुझे वो यहाँ दिख नहीं रहे हैं। जस्ट अ मिनट सर, मैं चेक कर रहा हूँ सर।
नहीं हैंड्स रेज नहीं आ रहे नजर मुझे भी। गौरव जी मेरी एक क्वेरी थी है ना, क्वेरी क्या बस मैं सम अप करना चाह रहा था। तो बीइंग ए प्रोफेशनल बीइंग ए सीए अगर हम अपनी अपॉर्चुनिटीज को देखें इसमें, तो एक तो मुझे सर्टिफिकेशन का समझ में आया कि एक तो हमें सर्टिफिकेट देने हैं है ना, दूसरा मतलब थोड़ा अगर आप ब्रीफ में इसको कंसाइज कर लें कि पॉइंट कर लें कि हमारे को बीइंग ए सीए ये चार चीजें हैं या पांच चीजें हम प्रैक्टिस कर सकते हैं या एज ए एडवाइजरी वर्क कर सकते हैं ये ऑडिट कर सकते हैं, तो थोड़ा सा आई थिंक मेंबर्स के लिए एट लार्ज बेनिफिशियल होगा। बेसिकली संदीप जी आपका अच्छा क्वेश्चन है कि अगर मैं सम अप करूं कि प्रोफेशनल्स के लिए हमारे रेरा में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। फर्स्ट आप रेरा के काम को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ओवरऑल, रेरा कंसल्टेंसी और रेरा सर्टिफिकेशन, ठीक है। एक तीसरा काम कंप्लेंट्स का भी है, अलॉटीज की कंप्लेंट्स का, ठीक है। तो रेरा सर्टिफिकेशन में तो सर्टिफिकेट का काम हो गया आर्किटेक्ट इंजीनियर सीए, ठीक। और अगर आप किसी फर्म में स्टेचुरी ऑडिटर हैं तो वो जो आरईजी 5 वाला मैंने बोला था तो वो वाला काम हो गया, ठीक है। रेरा कंसल्टेंसी में अगर मैं बात करूं तो एक तो प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन का हो गया, ऑनगोइंग कंसल्टेंसी का हो गया कि साहब आप कंप्लायंसेस वगैरह कैसे करेंगे, लीगल डॉक्यूमेंट्स की ड्राफ्टिंग और वेटिंग का हो गया, ठीक है। उसके अलावा जो मैंने थर्ड पोर्शन बोला था कंप्लेंट्स वाला, उसमें अपना सीए सीएस सीडब्ल्यूए और एडवोकेट ये चारों लोग अपना रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी और रियल एस्टेट अपीलेट ट्राइब्यूनल इन दोनों तक अपना अपीयर हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ह्यूज स्कोप है इन सारी चीजों को लेके, ठीक। तो ये अपने आप में एक स्कोप है संदीप जी। एक अजय जी का क्वेश्चन और है, What are the provisions applicable for transfer of project? ठीक अजय जी, transfer of project को लेकर provision इस प्रकार से है, जो अपना transfer of project को लेकर है वो अपना section 15 govern करता है, ठीक है, RERA Act का। उसमें आपको transfer of project करने के लिए सबसे पहले suppose करिए कि आप transfer of project में, मैं एक example लेता हूँ, अगर माना किसी प्रमोटर कंपनी में तीन शेयर होल्डर हैं, चार शेयर होल्डर हैं 25-25% की, ठीक है, तो आपका 51% से ज्यादा अगर माना शेयर होल्डिंग चेंज हो रही है, या अगर माना कोई प्रोजेक्ट किसी दूसरी कंपनी को ट्रांसफर हो रहा है, तो आपको सबसे पहले तो 2/3 अलॉटीज की परमिशन लेनी होगी वहां पे जो उस प्रोजेक्ट में एग्जिस्टिंग अलॉटीज है, ठीक, बायर्स है। उसके अलावा फिर आपको 2/3 अलॉटीज की परमिशन के साथ एक एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी रेरा को, ठीक। वो एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, उसके बाद रेरा परमिशन देगा। रेरा ने अपने, हर रेरा अथॉरिटी ने अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपीज और गाइडलाइंस बना रखी है। उस गाइडलाइंस के अंतर्गत रेरा अथॉरिटी आपको ट्रांसफर की परमिशन देगा, वो अलॉटीज के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। वो ट्रांसफर की परमिशन मिलने के बाद तब आप कोई भी चीज कर सकते हैं। बेसिकली अजय जी ये इन प्रिंसिपल अप्रूवल है। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा कि प्रोजेक्ट ट्रांसफर कर ले और उसके बाद आप 2/3 अलॉटीज की परमिशन लें या रेरा की परमिशन लें। इस वाले सिनेरियो में संदीप जी एक बात मुझे ये भी बतानी थी कि अच्छा हुआ है डिस्कशन हो गया कि आप मान के चलिए रेरा एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिसमें ह्यूज पेनल्टीज है। इन द केस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन 10% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट की पेनल्टी है। अगर माना कोई प्रोजेक्ट 100 करोड़ का है तो 10 करोड़ की पेनल्टी है। छोटी सी नॉन कंप्लायंस में भी आप मानिए 5% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट की पेनल्टी है। और आप मान के चलिए ये पेपर टाइगर नहीं है, ये पेनल्टीज लगी है या लग रही है और भविष्य में और भी लगेंगी, ये है। तो इस तरीके से ये पूरी सारी चीजें हैं। स्वाति जी अनम्यूट करें अपने आप को। स्वाति जी, स्वाति जी, आई थिंक वो नहीं है, तो योगेंद्र जी को देखते हैं।
योगेंद्र जी, योगेंद्र जी, आई थिंक कोई इश्यू आ रही है। ये योगेंद्र जी भी, उन्होंने भी क्वेश्चन रेज तो हैंड किया हुआ है, बट आई थिंक कोई बात नहीं। आप मेरे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन था। देखिए क्या हुआ कि हमने सारी प्रेजेंटेशन सुनी, सब कुछ किया, जो भी है ना, बहुत बढ़िया रहा। बट बीइंग ए बायर, देखिए क्या होता है कि जो मेरी अपनी थोड़ी समझ है, बीइंग ए बायर आप या तो जॉब कर रहे होते हैं या बिजनेस कर रहे होते हैं, है ना। हम बीइंग ए प्रोफेशनल, हमें तो थोड़ा रेरा के बारे में पता है, बट एक इंडिविजुअल जो फ्लैट लेने जाता है उसे कितना पता है, गॉड नोस। बट इफ यू वांट टू चेक कि भाई ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट यहाँ पे लगी है, मान लो नोएडा में कोई लगी है या गुड़गांव में कोई प्रोजेक्ट लगी हुई है, तो अगर वो चेक करना चाहे कि भाई इसकी कितनी अप्रूवल्स थी, होनी चाहिए थी और कितनी अप्रूवल हो गई है, इज दैट एनी टाइप ऑफ डाटा इज अवेलेबल विथ रेरा? रेरा में जाके हम कहीं पे चेक कर सकते हैं बिंग ए बायर की भाई इस प्रोजेक्ट में हम करने जा रहे हैं तो उसकी कितनी अप्रूवल लेनी चाहिए थी, कितनी अप्रूवल उन्होंने ले रखी है, और सम सॉर्ट ऑफ की बस रेरा में रजिस्ट्रेशन हो गया, मान के चले कि भाई रेरा में रजिस्ट्रेशन हो गया, ये सारा कुछ क्लियर है इसका। तो व्हाट इज योर व्यू सर, आप क्या बताना चाहेंगे इसमें? गौरव जी, अच्छा क्वेश्चन है, वैलिड क्वेश्चन है आपका हाउस के सामने, कि बेसिकली हम ये कैसे पता करें। मैं और इस क्वेश्चन को एक्सटेंडेड करता हूँ कि हम लोग कैसे पता करें कि रेरा की कंप्लायंस कितनी कर रहा है कोई प्रोजेक्ट, कितना कॉम्पिटेबल है कि नहीं है, मुझे उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसकी एनओसीज का क्या हाल है, उसकी सेंक्शन लेटर का क्या हाल है, वो सभी चीजें हैं। उसके लिए देखिए सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है जो कि हम लोग एज ए प्रोफेशनल भी यूज करते हैं, वो उसकी जो रेरा अथॉरिटी के पोर्टल है, हर रेरा अथॉरिटी के पोर्टल पर हर प्रोजेक्ट का एक पेज बना हुआ है। अगर माना आप हरियाणा की बात करें, हरियाणा में भी है, दिल्ली की बात करें, दिल्ली में भी है, यूपी की बात करें, यूपी में भी है। आप उस पेज पर जाइए, थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, उसकी चीजों को डाउनलोड करिए, ठीक है, डाउनलोड करके समझिए। क्योंकि आप संदीप जी ये मान के चलिए कि रेरा का रजिस्ट्रेशन आपको तभी मिलेगा जब आपकी ये जितनी भी सेंक्शन लेटर हैं, एनओसीज हैं, इनकी वैलिडिटी होगी, ठीक है। कुछ कंडीशंस में रेरा कंडीशनल रजिस्ट्रेशन या प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन भी ग्रांट करता है, ठीक है, लेकिन वो जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है वो सब्जेक्ट टू दीज एनओसीज ग्रांट करता है, ठीक, वो भी वहां पे सारी चीजें लिखी हुई होती है। तो आप ये मानिए कि वहां पे सब कुछ मौजूद है, आपकी क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट्स भी हैं, आर्किटेक्ट इंजीनियर सीए के सर्टिफिकेट भी हैं, बट एज ए बायर आपको देखिए इतना तो करना पड़ेगा, क्योंकि संदीप जी आई एम शेयरिंग यू विद डेटा कि हम लोग पिछले 5-6 साल में हमारी जो ट्रांसपेरेंसी का इंडेक्स है रियल एस्टेट सेक्टर का वर्ल्ड वाइड, वो 50 से 35 पे आ गया। तो इट्स ए बिग अपलॉड फॉर द सेक्टर कि बिकॉज ऑफ दिस रेरा थिंग हम लोग 35 पे आए हैं। हमारी रिसर्च टीम का ये अनुमान है कि अगले 3-4 इयर्स में हम लोग 35 से 25 पर भी आ जाएंगे। ये है, तो ये रेरा की वजह से ही इतना सब कुछ हुआ है कहीं ना कहीं, तो टाइम टेकिंग है। एक बार ये कुछ ठीक है, और कोई चीज संदीप जी, और किसी मैं मतलब मेरी पहली जॉब भी रियल एस्टेट में थी। अगर आप जब प्रोजेक्ट की कॉस्ट देखेंगे और vis-a-vis जो लेट कंपनसेशन देखेंगे तो देयर इज अ ह्यूज गैप, राइट। तो क्या बायर्स को कुछ रेरा के आने के बाद कुछ इम्प्रूवमेंट मिली है इसमें, मतलब कि अगर मान लीजिए प्रोजेक्ट डिले हो रहा तो क्या वो प्रोजेक्ट वैसे ही है? क्वेश्चन ला रहे हैं संदीप जी और अच्छा क्वेश्चन है, और बहुत मतलब इससे पता चल रहा है कि आपने ये सारी चीजें बड़ी प्रैक्टिकली देखी है कहीं ना कहीं। ये आपने बड़ा पिन पॉइंट वाला क्वेश्चन पूछा है, और बायर्स के लिए, अलॉटीज के लिए तो सबसे ज्यादा पिन पॉइंट वाला क्वेश्चन है। मेरा कहना आपको ये है, फर्स्ट मेरा रिमार्क ये है इस आपके क्वेश्चन को लेके,
इसमें बहुत मतलब ड्रेस्टिक लेवल पर इम्प्रूवमेंट हुआ है संदीप जी, ड्रेस्टिक लेवल पर, ठीक है। और मेरा सेकंड रिमार्क इसमें ये है कि कुछ रेरा अथॉरिटीज तो केवल दो चीजें कर रही है, मैं नाम नहीं लूंगा उन रेरा अथॉरिटीज का, स्पेशली मतलब यूपी रेरा और हरियाणा रेरा तो इसमें अव्वल है, ठीक है। तो वो दो चीजें कर रही है, केवल अपनी रिकवरी सर्टिफिकेट आरसी का एग्जीक्यूशन और 5% प्रोजेक्ट कॉस्ट की पेनल्टी, वो दो काम कर रही है धड़ल्ले से। हाँ, तो खैर ये जो 5 रुपए स्क्वायर फीट और 10 रुपए स्क्वायर फीट वाला पॉइंट है, इसमें बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है, प्रैक्टिकली हुआ है, थ्योरेटिकली नहीं हुआ है, ये सारी चीजें आप लोग अब MCLR प्लस वन पे शिफ्ट हो। MCLR प्लस वन का मोटा मोटा लब्बो लुबाब ये है कि वो करीब करीब 8.5-9% पे आता है। अभी पीछे कुछ जो रेट्स गिरे हैं उसकी वजह से वो और कुछ अकॉर्डिंगली कम ज्यादा हो रहा है, ठीक है। वो अभी MCLR प्लस वन पे शिफ्ट हो गया है, उससे जो ये डिमांड है और जो ये रिकवरी हो रही है, बिल्डर की पॉकेट पे बहुत बड़ा बोझ पड़ने वाला है या पड़ रहा है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में हो रहा है ये चीजें, और उन्होंने ये चीजें मानी है कि जितने भी रिफंड के ऑर्डर अवार्ड हो रहे हैं वो MCLR प्लस वन से ही हो रहे हैं, वो उनको इग्नोर कर रहे हैं 5 रुपए स्क्वायर फीट को और 10 रुपए स्क्वायर फीट। तो ये कहीं ना कहीं जी ये है। अब ज्यादा समय नहीं है, बस एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, आई थिंक सब पार्टिसिपेंट के दिमाग में होगा, है ना। क्या लग रहा है आपको फ्यूचर रियल एस्टेट का, मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है आपको आने वाले 6 मंथ 1 ईयर में, या अभी मार्केट जैसा है जो है वैसे ही चलता रहेगा? मतलब आउट ऑफ द बॉक्स, दिस इज नॉट रिलेटेड टू रेरा, बट सिंस यू आर इनटू रेरा प्रैक्टिस, राइट, आप डे टू डे काफी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, है ना। तो जस्ट ऐसे ही थॉट आया, तो बीइंग अ प्रैक्टिशनर हम भी इससे रहते हैं और हमसे क्लाइंट भी पूछते हैं सर मार्केट कैसा चल रहा, क्या आ रहा, व्हाट डू यू थिंक? देखिए संदीप जी, मेरा कहना ये है कि जो सब लोगों का सोचना है वो सोचना ठीक है कि कहीं ना कहीं मार्केट में सेंटीमेंट डिस्टर्ब हुए हैं। रेरा आने से पहले मार्केट एक ट्रैक पर आ गया था, बैक ऑन ट्रैक आने में टाइम लगेगा, 1 से 1.5 साल का टाइम लगेगा। लेकिन अगर मैं रेजिडेंशियल सेक्टर की बात करूं तो रेजिडेंशियल डिमांड सेक्टर में डिमांड अपसर्च हुई है, दोबारा से डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है। उसके पीछे कई कारण है। पहला कारण यह है कि लोगों को इस लॉकडाउन में अपने घर की अहमियत समझ में आई है, ठीक है। वो जो उनके मेंटेनेंस के इश्यूज थे, रेंट के इश्यूज थे, उनको ये लग रहा है कि इससे बेहतर तो मैं अपनी ईएमआई दे देता हूँ, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो होम लोन का इंटरेस्ट रेट है वो ऑल टाइम लो है, ठीक। तो उससे भी कहीं ना कहीं बायर को ये लगता है कि, और वो और लो होने की अभी फ्यूचर में संभावना है, पॉसिबिलिटी है, वो आज मान के चलिए 7% पर आ गया है। और जब हम लोग उसका होम लोन से जो हमें बेनिफिट मिलता है इनकम टैक्स में, उसका और अगर हम लोग उसमें वेटेज ले लेते हैं, वो 5-5.5% का ही मिलता है। और आज एफडी पर या सेविंग में इंटरेस्ट रेट बिल्कुल खत्म हो चुका है, तो लोगों को ये लगने लगा है कि बजाय मैं अपना घर ही ले लूं, ये है। उसी तरीके से लोगों को अपने प्राइवेट रेजिडेंसेस की इंपॉर्टेंस समझ में आई है, जैसे जो प्लॉटेड डेवलपमेंट है या जो विला वाली प्रॉपर्टी है वो भी उनको कहीं ना कहीं समझ में आया है, ठीक है। नो डाउट उसमें मैं क्या कमेंट करूं, क्योंकि कॉमर्शियल रियल एस्टेट पर एक प्रॉब्लम है अपने आप में, वो स्लगिश रहेगी डिमांड कॉमर्शियल रियल एस्टेट में। उसमें चाहे कॉमर्शियल आईटी पार्क हो गया, ऑफिस स्पेस हो गया या रिटेल स्पेस हो गया, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं, मॉडल है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम के कॉन्सेप्ट की वजह से जो ऑलरेडी जितने भी आईटी पार्क हैं वहां पे जो लीज की चीजें चल रही थी वो भी सारी की सारी विड्रॉ हो गई है, वो सारी चीजें कंप्लीट, काफी कुछ उसमें डैम्पन हुआ है इन चीजों को लेके। आने वाले 1 से 1.5 साल में ये अभी चीजें रहेंगी, ठीक हो जाएंगी, नो डाउट। ये कहना भी अतिशोक्ति नहीं होगा, ये कहना भी होगा कि कहीं ना कहीं जो रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू बनी है, रेडी टू मूव इन की जो ऑलरेडी कंप्लीटेड हाउस है, कि साहब आपका मकान खड़ा हुआ है, फ्लैट खड़ा हुआ है, आप देख के चाबी लीजिए, रजिस्ट्री कराइए, उसकी वैल्यू आज भी है। अंडर कंस्ट्रक्शन में लोग आज भी फूक फूक के कदम रख रहे हैं, ठीक है। एनसीआर के मार्केट की जो मेजर प्रॉब्लम है वो अनसोल्ड इन्वेंट्री का पाइलअप होना है, और जो टायर टू और टायर थ्री सिटीज हैं, आज भी मेरे एक फ्रेंड डिस्कस कर रहे थे कि टायर टू और टायर थ्री सिटीज में नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, वहां पे अफोर्डेबल हाउसिंग के, लो राइज के, प्लॉटेड डेवलपमेंट के, विला डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंट गवर्नमेंट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ भी है काफी कुछ,
तो उसकी वजह से वो सारे आ रहे हैं। अगर मैं नो डाउट अगर मैं रेरा के स्कोप की बात करूं या रेरा के फ्यूचर की बात करूं, तो क्योंकि वो टॉपिक आज रेरा से रिलेटेड है, आने वाले टाइम में रेरा बहुत बड़ा वाइटल रोल प्ले करेगा। जैसे हमारे शरीर में नर्व्स का सिस्टम होता है या बैकबोन का सिस्टम होता है, उसी तरीके से रियल एस्टेट सेक्टर में रेरा का सिस्टम है। जो विकास प्राधिकरण है, डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, चाहे वो नोएडा है चाहे वो डीडीए है, उनका रोल बहुत लिमिटेड रह जाएगा, क्योंकि हमारे देश में ब्यूरोक्रेसी इसी तरीके से वर्क करती है। धीरे धीरे वो सभी चीजों पे शिकंजा करते जा रहे हैं। ये है जो ब्यूरोक्रेसी में चीजें दिख रही है आईएएस ऑफिसर्स की, ठीक। और आप मान के चलिए कि आने वाले टाइम में रेरा का बहुत बड़ा मॉडल होगा रेरा का, और रेरा एक अम्ब्रेला एजेंसी के तरीके से काम करेगा और जगह जगह इसके ऑफिसेज होंगे रीजनल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो इस तरीके से मैंने आपको रेरा का भी फ्यूचर ये है। बाकी मैं हम लोगों ने रेरा को लेके ये मैंने स्लाइड शेयर किया था, हम लोगों ने रेरा को लेके व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, ठीक है। हम लोग रेरा के अपडेट्स भी भेजते हैं संदीप जी, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। अगर हाउस चाहे तो इस नंबर को नोट करके, स्लाइड हमने शेयर कर दी है, तो मुझे अपने नाम और मोबाइल नंबर के साथ हमें भेज सकता है, तो हमारी टीम उनको एडिशन कर लेगी रेरा के अपडेट्स को लेकर। बहुत बढ़िया। ये संदीप जी था आज का, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया जी, थैंक यू सो मच गौरव जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आया आपका। आई वॉज थ्रू आउट द सेशन, और जितना आपने डिटेल में राइट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन ऑफ इनटू रेरा आपने टिल पेमेंट तक का आपने बताया, सर्टिफिकेशन, और जिस हिसाब से आपने कंक्लूड किया कि सीएस के लिए अपॉर्चुनिटी क्या हो, दैट वाज टू गुड, बहुत ही वंडरफुल सेशन रहा। एंड आई मस्ट कंग्रेचुलेट एंड थैंक यू टू आवर पार्टिसिपेंट एज वेल, पार्टिसिपेंट ने भी बहुत अच्छे से इन्वॉल्वमेंट दिखाई अपनी और साथ ही साथ अच्छे क्वेश्चन पूछे। और आई होप कि आने वाले दिनों में जैसा आप बता रहे हैं कि रेरा में अपॉर्चुनिटीज काफ़ी आएंगी और प्रोफेशनल एट अ लार्ज स्केल उसमें इन्वॉल्व होंगे, और बहुत ही अच्छी मेरी अपनी भी ओपिनियन है कि रेरा इज वेरी गुड एरिया ऑफ प्रैक्टिस, और आगे आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छी इमर्ज होगी और इट विल बी अनदर इनकम स्ट्रीम फॉर अ सीए अपार्ट फ्रॉम जो ट्रेडिशनल है हमारे स्ट्रीम्स हैं इनकम टैक्स जीएसटी एंड ऑल। तो इन्हीं सब बातों के साथ हमारा टाइम थोड़ा ओवर हो रहा है, तो गौरव जी आपका अगेन बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच ऑन बिहाफ ऑफ इस्टकलिया स्टडी सर्कल एंड पार्टिसिपेंट, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू।